खेले तुषित मैं खेलू कलम से, तेरे जैसे कितने यहाँ गिरते पलंग पे। बच्चे हो छोटे जब बाद में बजना, चलना तो सीख ले पहले तू ढंग से। दिक्कतें आती तुझे सीधा सा चलने में, दिखती है हेट मुझे तेरे भी जलने से। सस्ता में वे चल मान लिया मैंने, जन्मो ही लग जाएंगे तुझे वो बनने में। लेफ्ट राइट देख बेटा कितना हूँ खास मैं, बेइज्जती करूँ तेरी वो भी एक सांस में। घंटा करेगा कंपेयर तुम मुझसे, तू पाना जो चाहता मेरे ऑलरेडी पास में। ना समझाया पर तुम तो हो डीट बे, तेरे लिए बस इनफ है बीट रे। कंटेंट ना मिला जब तेरे को कुछ, मेरे ही गाने बजाए रिपीट पे। खुद पे जब आती तो क्या ही ये झेलेंगे गंदगी, ये कितना ही खेलेंगे। लेके कलम कम्पीट ये कर रहे लड़के, मुझसे क्या फेम ये ले लेंगे। खोल के रखी है मेरे की काम ने, ऑलरेडी ट्रेंड बना दिया नाम ने। बोलते थे जो ये आग लगा रहा है, आज क्यों बैठे हैं शांत वो सामने। दो गले बंदे इनके दो दो है फेस, ऑलरेडी जीत गए कर रहे हैं रेस। सीखते भी हैं ये मेरे ही गानों से, मन ही मन में ये करते परेस। होगा तो बेहतर तो खुद से मिल जाएगा, मेरे से ज्यादा फेम भी लाएगा। दोस्त कौन तेरे ये सोच के चलना, दोगलों के हाथ से जल्दी पिस जाएगा। रक्षक तो क्या कर रहा है भाई, ये क्या आग लगा रहा है भाई यूट्यूब पे बंदा। जस्ट वाव ब्रो, केवी के बार्स भी इस बार बहुत मस्त है। ओपी डूड गाइस रियली व्हाट अ सॉन्ग ब्रो, भाई मजा आ गया। ओ माय गॉड व्हाट अ सॉन्ग भाई। गली के कुत्ते भोंके काटे नहीं, शिटो किन की सेंसिबल बात नहीं। कमाता हूँ खुद और खुद ही उड़ाता हूँ, बोले क्यों फालतू तेरे बाप का खाते नहीं। दो गले बंदे दो गली है बातें, मिला किसी और से चाट के खाते। बता दे चल तूने क्या ही उखाड़ा है, खुद के दम पे व्यूज घंटा नहीं आते। करनी पड़ती है रेंट मेरे बारे में, कुछ भी बोल दिया थके ये हारे ने। व्यूज के लिए ये कितना ही गिर गए, क्या क्या नहीं कर लिया देखो बेचारे ने। चाहिए ना व्यूज ईमान को देकर, बची रहे इज्जत यही बस प्रे कर। दिमाग भी चलानी होगा जब तेरा, तब से बना रहा हूँ गाने मैं लेकर। देते नहीं अकल जो चलते हैं साथ में, मिले ना सेंस इनकी कोई बात में। स्पैम करा ले तू जितना भी, लेकिन एंड मेरा बस उस रब के ही हाथ में। गली गली बैठे हैं चोर बहुत, एक नहीं मेरे लिए डोर बहुत। आए थे खुद ही तुम सॉन्ग बना दो, पड़े हैं प्रोजेक्ट मेरे और बहुत। शोर करे तू मैं करता हूँ काम, गाना मेरा शौक वैसे खुद का है फार्म। बोले के बुरा तुझे फेम है, जो मिल गया फेम रेन पड़ा तभी मेरा भी नाम। काम गलत तेरे बंदा तू रोंग, साधु ये संत नहीं ना ही कमोंग। चाहूं मैं तुम पे तो लेख बना दूं, पर पहला और आखिरी तेरे पे सॉन्ग। दोगली बातें और नकाब लगाने से यहाँ कोई यार नहीं बन जाता। अबे लिप सिंक कर किसी और के गाने पे, बेटा कभी कोई स्टार नहीं बन जाता। फक मैन। Okay. Yo, what's up everyone? Welcome to the stream. I hope you guys are doing absolutely good. आप सभी का दिल से बहुत ही दिल से स्वागत है. Once again with the new stream and the new freaking energy. Welcome to the stream, man. Welcome to the... ये बालों का मेरे को कुछ तो भी करना पड़ेगा, एक स्टाइल कुछ तो भी चूज करनी पड़ेगी, नहीं तो welcome to the stream everyone. I hope you guys are doing absolutely well. आप सभी का, जितने भी बंदे आए हो उन सभी का दिल से स्वागत. कमेंट डिलीटेड ओपी. व्हाट विच कमेंट? व्हाट एवर इट इज. ओके सो बहुत दिनों बाद आए हो एंड लवली सॉन्ग फॉर यू गाइस. वेट आई डोंट नो कौन सा था, यही था या लेट्स गो. हाय हेलो गाइस, एक गाना बोल लेता हूँ तुम लोग के लिए एंड देन विल स्टार्ट. ओके एक ही ज्यादा नहीं बोलूंगा. वेट कैसा है चार्ली? नीतिन एकदम फर्स्ट क्लास बनू. तुम लोग कैसे हो चैट में बताओ. सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों
रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना। वेलकम वेलकम गाइस, निका चैट में आए, व्हाट अप माय ब्रो, सो व्हाट्स अप निखिल, क्या हाल है लॉन्डो, चैट में पूरा हार्ट अटैक स्पैम हो रहा है, बाप रे। वेलकम टू द स्ट्रीम निखिल, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट अप निखिल, मेरा प्रीमियर भी देखने आया था वो जो, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, या अजून एक सॉन्ग, चलो मेरा फेवरेट सॉन्ग लेते हैं गाइस, मेरा फेवरेट सॉन्ग एंड देन वी स्टार्ट गेम, ओके गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना इसकी ये लास्ट और इसके बाद अपन स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। अभी सब लोग को पता है कौन सा गाना, लेट्स गो, मैं गेम में घुस रहा हूँ तब तक। दिल पर वो छाया मेरे, मुझ में वो ऐसे जैसे जान, गिरे बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे, दिल से हो दिल तक जो बयां, आशिक दिल तेरा पुराना है ने, दीवाना दीवाना समझे ना, हाँ, कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। बस, चलो मेन स्क्रीन, ए शीर्षक, वेलकम टू स्ट्रीम, शीर्षक, मेरे को थंबनेल की जरूरत है और तू मेरे को थंबनेल नहीं बना रहा, मेरे को टेंशन आ रहा है, और ये स्क्रीन मेरी पीछे क्यों जा रही है बच्ची के दिल में, थोड़ा सा आगे रह ले, बिकॉज पबजी पीसी खेल रहा हूँ भाई, रिफ्लेक्सेस बढ़ने मांगते है, स्क्रीन बहुत दूर रखता हूँ ना मैं गाइस, मैं ऐसे, मेरे को पहले आदत थी स्क्रीन पास रखने की, अभी पता नहीं, दूर रखता हूँ। तुम लोग को गेम दिख रहा है, मेरे को चैट देखने का है, कूल बॉय ए निखिल स्ट्रीम देख रहा है, अपने को इज्जत बढ़ रही है गाइस, अपनी बढ़ रही इज्जत, कॉपीराइट सुन, नहीं ये गाना मेरे को कॉपीराइट नहीं देता, उसका ओनर और मेरी पहचान है बच्ची के, अरे बट वो तो इट्स ओके, लेट्स गो, तुम लोग को दिख रही है स्क्रीन, मेरे को तो नहीं दिख रही, अच्छा दिख रही है, हाँ लेट्स गो, गाइस एक इधर एक सर्वर लिख के आता है LA और FRA
और एक सर्वर लिख के आता है LASNG। तो LASNG जो सर्वर है ना उसमें अपने को बहुत अच्छा पिंग आता है, और ये जो है ना अभी ये जो चालू हो गया गेम उसमें दिख के आएगा LAFRA या फिर AFRA। देखो वो 132 mAh जो पिंग आ रहा है ना वो LAFRA का है, ऊपर लिखा है देखो भाई टॉप ऑफ द स्क्रीन। और जो अगमाजा बागा और जो अपना वो है ना LASNG, मेरे को नहीं पता कैसे चेंज करते ये सब, बट या वो वहाँ पे मेरे को 40 का पिंग आता है, यहाँ पे मेरे को 132 का पिंग आता है, पता नहीं क्यों आजारे आ रहे थोड़ा। अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर ख्याल रख मेरी जान। बाय द वे थैंक यू फॉर द लवली थंबनेल, आज शीर्षक ने मस्त थंबनेल बनाए, इसके लिए मेरा मूड हुआ स्ट्रीम करने का, नहीं तो मैं स्ट्रीम भी नहीं करने वाला था सच्ची। गौरव बगुल वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। ना सोना क्यों रब ने बनाया, ना साक्षी पाटिल वेलकम टू द स्ट्रीम, ओके गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम, आदित्य भाई टी पबजी मोबाइल ट्रेलर ओपी, अरे आया और खुश हो गया ना रे बच्ची, डिलीट मार दे। निखिल ने देखा रहेगा, निखिल देखा क्या भाई, आ रहा है समथिंग इज कमिंग। तभी मैं सोचूं निखिल इतने खर्चे क्यों कर रहा है, अभी मेरे को समझा कि कुछ तो खास है आने वाला है कुछ तो। अरे चाली माता पबजी चालू करते तेवा एरर दाखवते काय माहित असेल कसा, पता नहीं यार। तारे जमीन पर स्वागत तो करो आर्य, आर्य पिसाल वेलकम टू सी मारियो, आर्य आर्या या आर्य, बादल हिवराले वेलकम टू सी। गाइस पबजी मोबाइल की तुम लोग को सबको खबर लग गई, नहीं मैं बोलने वाला नहीं था इस स्ट्रीम पे, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया जी पे। एक सेकंड शांतनु, शांतनु गिव मी 1 सेकंड ब्रो। ये किधर जा रहा है, हाँ चल निकल, कुत्ते का बच्चा इधर ही आने का था ना, मरो तुम लोग दोनों जाके नीचे, मैं जा रहा हूँ टेरिस पे। उस साइड दो, उस साइड दो, ओके ओके चारों तरफ। शंतनु एक सेकंड है मैं जीप पे देखता हूँ ब्रो, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। व्हाट द फक, इतना लैग क्यों हो रहा है, लैग 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 नहीं हो रहा एक्चुअली, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। आज तो पेटी किंग होना नहीं रे बाबा, इधर गन नहीं है, हाथ में तो पेटी किंग ही होएगा, रुको। और ब्रो एक गन दे दे यार, पूरे घर में एक गन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है बाबा। पबजी आने वाला है गाइस, यस जल्दी जल्दी आने वाला है, वी आर सो क्लोज टू पर पबजी मोबाइल, बट डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी लेट्स सी। भाई ये इतना पिंग रहेगा ना तो क्या घंटा भी नहीं उठा पाएगा कभी, एक गन नहीं है पूरे 3 2 घर घूम के आया मैं, ये क्या लूट है। मैंने पबजी को आज एक ये किया है, क्या बोलते, एक फॉर्म भरा है, उन लोग ने रिएक्ट भी अच्छा किया उस चीज पे। पबजी पीसी आ गई, तीन बोर से थैंक यू फॉर योर 40 मेरी जान वेलकम टू शी। किती गोड गातो चार्ली, जेवत हो तो 2 गात एक्स्ट्रा गेला, अरे अरे लव यू यार, थैंक यू सो मच नितिन भाई यार, आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो बैठे हम, बस आप ऐसे प्यारी सी कमेंट कर दो दिल छू जाता है, मजा आ जाता है स्ट्रीम करने में, और मजा आता है गाइस, लव यू यार लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉमेंट ब्रो। उज्जवल का बर्थडे कर दे, उज्जवल का बर्थडे कर दू, विश करू ना। अरे उज्जवल भाई
हैप्पी बर्थडे गाइस, एक बार हैशटैग उज्जवल, हैप्पी बर्थडे उज्जवल हो जाए भाई चैट में। लौंडे का बर्थडे है फिर भी लौंडा स्ट्रीम देख रहा है। व्हाट्स अप उज्जवल, व्हाट्स अप माबो, वेलकम टू शीम ब्रो, वेलकम टू शीम बड़ी, हैप्पी बर्थडे भाई देवे, लव यू। मेरे बर्थडे के दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ उज्जवल, इज्जत दे, इज्जत दो हमको, चाहिए इज्जत हमको, प्यारी हमारी इज्जत। वेलकम बड़ी, वेलकम वेलकम। बाय द वे हाँ, एक सॉन्ग पुणेचा ताई साठी डेडिकेटेड होता, सी लव यू भावा बच्ची के दिल। अरे शंतनु लव यू, ये क्या पुणे का ताई भी, कुछ भी मत बोलो गाइस, तूने सुन लिया ना घर से, लवनेन्द्र लाल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, चट्टी वट्टी हो जाएगी मेरी, चड्डी गुल हो जाएगी, समझ रहे। और जो मेरे को अभी व्हाट्सएप पे कमेंट आया ना बहुत गंदा वाला, दिमाग का दही हो गया मेरे, करनू भाई चैट में गप रे। और बड़े जब लोग हो जाते गाइस, तुम लोग समझो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, सिर्फ सुनो, करनू भाई आप भी सुनो, जब लोग बड़े हो जाते ना, छोटे लोगों को भूल जाने लगते। अरे मेरे साथ हो रहा है आजकल गाइस, मैंने ऑब्जर्व करा है, लोग भूलने लगे रे। बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है। ठीक है अभी क्या, अगर अपन हक भी तो नहीं जाता सकते ना। इंस्टा का क्या विषय है, कुछ नहीं रे बाबा, कुछ विषय नहीं, इंस्टा चिल मार तुम काय रे चपट्या। ठीक है ना, अभी बोल लो तुम लोग, बाद में मेरा भी टाइम आएगा अच्छी के दिल्ली में। अरे बच्ची के दिल में देवा, ए कोई इधर लूट मारा भी है या नहीं, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, फायरिंग तो पूरे दुनिया में चल रही है, देखो बाप रे इतनी गोलियां क्या करने की। अरुण भाई आपको इस चीज पे कुछ बोलना बोलना है, नाइस ऑब्जर्वेशन सभी के लिए वो, बाय द वे यहाँ पे जितने भी है यूट्यूबर, मेरे को पता है, मेरे को 4-5 से ज़्यादा यूट्यूबर देखते हैं, मेरे को पता है, बहुत अच्छे से पता है मेरी वॉचिंग। ओ फक, फर्स्ट गेम था गाई, फर्स्ट गेम भगवान के लिए। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा तू मैं यारा नू मनावा, आवा जावा तू मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना। ठीक है ना, ठीक है, पहला गेम भगवान को रहता है हमारा, दे दिया भगवान को, क्या ध्यान नहीं था ना, थोड़ा ज्यादा बोल रहा था तुम लोग के साथ, पीट वाली भाई करनु भाऊ, भाई शपथ, मेरे को लगा दाढ़ी रखी है सेम करनु भाऊ की तरह, कॉपी करता है नल्ले, कॉपी किया साला, सेम करनु भाऊ की तरह लग रहा था रे गाइस। ये देखो, ये देखो ते भाई, रुक, अरे रुक रुक जा मेरी जान, रुक जा, अरे करुण भाई का डुप्लीकेट, रुक जा, रुक तुझा तर, रुक डुप्लीकेट साला। ये देखो करुण भाऊ रुको ना, ये देखो थोड़े जान दो, पिटा करी करुण भाव ना खेलने, पिट पिट
पिट काम कर देखो गाइस, गिरनी काम कर। मुझे गिरनी चाहूँ देखूँगा। होगा कदी पास सुन रहे? क्या? Love from Pune YouTuber। अरे love you love you, love you from my heart। ठीक है? मैं तुम लोग मेरे को शहरों से प्यार करते हो और मैं तुम लोग को दिल से प्यार करता हूँ। यही फर्क है तुम लोग में और मुझ में कि मैं ये मेरे को ये इसकी नोटिफिकेशंस क्यों आ रही है भाई कि मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ गाइस और तुम लोग ना वो है पिछली वाली क्लिप गाइस एक बार ये करो एंड दिस मूवमेंट इन यू यू फक्ड अप ये वाला उस पर डालने का करो। दादा तुझे इंस्टाला काय झालं? अरे कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, चिल। आई जस्ट वांट टू सी योर रिएक्शन। 9:39 अभी टाइम क्या हुआ? 7 मिनट दिया मेरे को। ओको भाई 7 मिनट कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे दिया मेरे को? चार्ली चिकन डिनर पर अरे 100% नितिन भाई लिख के लो, ये चिकन डिनर नहीं आया ना मेरा नाम चेंज करो। लिख के लो रे गाइस, लिखो। चलो मेरे को एक एम मिल गई है, मैं अब बन गया वो सबका। लिखो 9:35 ठीक है ना? लिख के लो बोल रहा हूँ ना, लिख के लो। ये देखो क्या मिला, पबजी पीछे हार्ड है यार। अरे खेलोगे तो समझेगा ना, ऐसे तो विदा बिना खेले अगर आप बोलोगे तो सब हार्ड ही लगेगा। यहाँ पे हम लोग बैठे तो है आपको सिखाने के लिए। नॉट सिंपिंग गाइस, नॉट सिंपिंग, मैं यहाँ पे हूँ तो आपके लिए, मतलब सिखाने के लिए। नो सिंपिंग गाइस, इसको सिर्फ बोल रहा हूँ मैं। ऑफ ये श्रीमंत दादा ला शोभतोस, मतलब समझा नहीं? श्रीमंत दादा ला शोभतोस। मेरे बाल ठीक नहीं है ना गाई? हाँ लेकिन बताओगे नहीं ना तुम लोग क्यों? क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखो तो तुम लोग को अच्छा लगेगा क्या? कोई लड़की अगर चैट में आ जाती है वो बोलेगी चलो देखते हैं इसकी स्ट्रीम, खेला था तभी तो बोल रही। वायु वो पांडा वाला सीन क्यों, पांडा क्यों भेजते हो तुम मेरे को? मैं पांडा की तरह दिखता हूँ क्या? ऐसा है तो क्लियर करो भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सोना क्यों रब ने बनाया? कुछ भी टिकिंग बोल लो हो ना, अभी इज्जत निकालने की जरूरत नहीं गाइस, रुको जरा। बैग ही नहीं मिल रही। आ बहुत पक्का रहा है अब, ठीक है ना? मतलब गेम प्ले नहीं तो कुछ तो भी बोलना पड़ेगा ना, मतलब गेम प्ले है, रुको जरा। मेरे को इग्नोर किया रे वो डीमास गर्ल ने, इज्जत ही नहीं है। मैंने उसको पूछा पांडा का मीनिंग क्या है तो वो मेरे को इग्नोर करके चली गई, ठीक है ना? मतलब अभी सिंगल लोगों के, सिंगल नहीं हूँ मैं बाय द वे, मेरी एक प्यारी सी बबड़ी है मेरे लिए, लेकिन फिर भी यार मतलब बुरा लगता है यार, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरी बबड़ी मेरे को पांडा नहीं बोलती, उसका मतलब ये चीज़ नहीं कि उसको पता है मेरी बबड़ी कौन है और मेरी बबड़ी कैसी डाली। रांगोड़ी ओपी, काय की रांगोड़ी भाई। ए दरवाजा खुल रहा है तो बंद हो ना, अंदर काय को ढकेल रहा है।
बबड़ी। हाँ बबड़ी। बबड़ी की स्टोरी बताओ क्या गाइस तुम लोगों को, तो थोड़ी देर में बताता हूँ बबड़ी की स्टोरी। मैं बबड़ी की स्टोरी सुनाता हूँ ठीक है, ये गेम के बाद बबड़ी की स्टोरी सुनाऊंगा मैं आराम से। ये गेम के बाद चिल गेम करेंगे, ये गेम में थोड़ा सा सीरियस खेलता हूँ क्योंकि थोड़ा मूड है तो सीरियस खेलते ठीक है। इसके बाद में तुम लोग को मेरे को याद ला के देना बस, बाकी कुछ नहीं। I'm good यार, क्यूट है वो, कौन ये डीमात गर्ल क्यूट है? अरे बाबा मैं उसकी कल स्ट्रीम देख रहा था ठीक है, ये डीमात गर्ल की, और उसने कुछ तो भी ब्लैक, आज देख रहा था कल देख रहा था याद नहीं, और उसने कुछ तो भी ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था और जाली जाली वाला और उसमें कई लकड़ियाँ वालों में लकड़ियाँ छोटी छोटी स्टिक्स रहती है, स्टिक्स स्टिक्स मतलब अपना लकड़ी रे छड़ी छड़ी, वो लकड़ी के माफिक दो हाथ ऐसे दिख रहे थे ना, बाप रे मैंने बोला ये क्या ही लड़की है भाई, हडर भरी शी भगवान। माधुरी पवार का ब्रदर है क्या? माधुरी पवार कौन है भाई? देवे ब्रदर बिदर तो ठीक है, चलो मैं ब्रदर मान लिया, चलो मैं उसका ब्रदर हूँ, बट ये माधुरी पवार कौन है ये बताओ। कराड मधुन प्रेम आ रहे, लव यू लव यू, हडल नहीं समझा होगा। हाँ 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 बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद हड्डी, खुद हड्डी नहीं है। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा तू मैं हरा मनावा। एक सेकंड गाइस मैं थोड़ा सा बाल सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसलिए। आवा जावा तू मैं हरा मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना भाभी जी चैट पर नहीं है? नहीं वो मेरे को कपचुप में देखती है, उसको सब कुछ पता है, और उसको पता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ नहीं नहीं मेरे को गाली नहीं था। पायल गेमिंग पता है क्या? क्यों नाम लिया ब्रो पायल गेमिंग? पता है सार्थक डांडे शाउट आउट टू ब्रो, मैसेज पढ़ क्या पढ़? किधर का मैसेज? कौन सा मैसेज? कोई भी तो मैसेज नहीं है ऊपर। रुचिका ना फाय चार ली दादा आगो भाई, रुचिका आली चैट में आता मैं जीव देतो, आता मैं जीव देतो, ये रुचिका चैट में आ जाती ना मेरे दिल की धड़कने तेज हो जाती है। ताइडे तू मतलब वेलकम टू द स्ट्रीम रुचिका, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम रुचिका। बेरी पता है क्या? नहीं मेरे को लैला पता है, लैला में लैला लैला पता चला। भाभी जी का मैसेज आएगा गपचुप में? नहीं रे नहीं, वो उतना उतना समझदार है वो, इतना भी कुछ विषय नहीं है, तुम लोग क्या उसको ट्रोल करने को लिए। स्कूल लाइफ में टीचर्स पर कोई प्रैंक? नहीं नहीं टीचर्स पे प्रैंक नहीं किया है, स्कूल पे प्रैंक किया, पूरे स्कूल पे। रत्नागिरी मेरे कुटे रे ऋषिकेश है, माधुरी पवार का कॉपी लग
समझा नहीं कुछ, मिस्टर डायमंड कुछ समझा नहीं। हाय बाबा बरेज दिवसान तू इशू बप्पा, अरे रोनित वेलकम टू स्ट्रीम। पीसी बिल्ड अप किती पर्यंत गेला तुझा? अभी का जो पीसी है 1 लाख 1.5 लाख तक कुछ तो भी 150। रिद्धि बोली बबड़ी क्यूट है, वो तो मेरी बबड़ी क्यूट ही है। बाय द वे रिद्धि कभी 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 कॉमेडी भी कर लेती है, अच्छी कॉमेडी करती है बाय द वे रिद्धि। रिद्धि तूने ऐसा बोला कि बबड़ी अच्छी दिखती है, और मैं कैसे दिखता हूँ रिद्धि, मैं कैसे दिखता हूँ? जैसे तू तो बोलता हो नहीं ना, अच्छा वो सब ठीक है, मैं कैसे दिखता हूँ बता रिद्धि, मैं कैसे दिखता हूँ बता, इज्जत बढ़ा। बाय द वे मैंने भी बोला था बबड़ी क्यूट है, बबड़ी है क्यूट अभी तो क्या है, मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ, कोई तो बताओ प्लीज। अब गाइस मैं कैसे दिखता हूँ, चैट में बताओ जरा मैं कैसे दिखता हूँ, मतलब अरे इज्जत बड़ा थोड़ी सी, तू भी क्यूट है। किल करना बॉट, अरे किसको मारू, वो फ्लेयर गन को मारू, अरे कोई दिखे तो मारू या इसे भाग, अभी क्या करूं बता, कोई दिखेगा तो मारूंगा ना, तो किसको मारूंगा। बहुत क्यूट, मस्त, बकवास बच्ची के दिल में ना भाई, ठीक है रे गाइस, जो बकवास बकवास बोल रहे ना आड़ा तक काड़ नहीं सुन तू ना, समझना नहीं तिला मला माहिती, आड़ा तक काड़ नहीं सुन तू ना, तुम्ही जा इथून, मी का साप्टी आउट करील। हा भा दादा कोण ना इथे, हा I don't care. इसको कुछ नहीं समझ रहेगा गाइस, कुछ को उसको कुछ नहीं समझ रहेगा। माधुरी पवार का कॉपी लगाता हो आप वो लावनी डांस, हा यूट्यूब पे सर्च करो माधुरी पवार, लेकिन वो गर्ल, हा तुम पहले हा हिंदी तो नीट से बोल लो, हा नहीं तो फिर आ ये बॉडी शॉट, वन मोर ना 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 यार, एक एक हिट हो जाता है यार, एक हिट क्या फर्क पड़ जाता। भाई जोन में जाना, बहुत ओपन में भाग रहा हूँ, ये डे के माफ। तुझी बबड़ी पन स्लिम आए बाय द वे, तुमने कब देखी गाइस, देख रहे हो मेरे मॉड्स का कितना ध्यान है। मेरी बबड़ी का तो नाद भी मत करो रे, बट मेरी 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 बबड़ी का ऐसा नहीं कि आड़ा तक आड़ा नहीं तुम तू ना, ठीक है ठीक ठाक है, थोड़ी कड़की है बट अच्छी है। चलो बाय चार्ली, डिनर रेडी करना है, बाय एवरीवन। तू रात भर स्ट्रीम करती है, मेरे को तो टेंशन आ रहा है तू। ओ फक, अरे हो दम गए,
मुझे दिन में पीसी नहीं मिलता क्योंकि ना भाई आप पीसी है सो मैं मोस्टली लेट नाइट आती हूँ सेम टाइम स्ट्रीम. ओके ओके गुड 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 कुठे गेलेलास रे लाल्या कुठे ना ना बबड्या. गाइस मेरे को थोड़ा सा मेरा मूड रिफ्रेश करने दो, दो मिनट रुक. पारुग माजी पारुग फिर दिवस दारुग बैंजो समाप्त. चिल मारो बैंजो. स्टोरी 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 सुनाओ गाइस. पक्का स्टोरी सांगणार होता. कौन पारू ये मेरी एक खास है पारू स्टोरी. ओके चलो एक एक झटपट ये गेम करते फिर स्टोरी बता रहा हूँ ठीक है. एक गेम सिर्फ बूट कैंप उतर रहा हूँ बूट कैंप खाली करता हूँ और मैं स्टोरी बता बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ. दादा तृप्ति कौन है. अरे तृप्ति तो जीव है. तृप्ति का तो नाटपन है. सॉन्ग लिंक चिलिंग कौन से सॉन्ग की लिंक. गर्ल्स क्यूट असतात रे लाल्या तू नाही. मी बादशाह आहे का मग. बादशाह तर बोला. गाइस इतना खाली करता हूँ मैं. हाँ बताता हूँ ना स्टोरी. अरे बताता हूँ ना बबड़ी एक मिनट तो दो. यार ये उठाता ही नहीं है फटफट. गुड नाइट रुचिका. ओ भाई 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 हेलमेट.
fuck? गाइस उनका पिंग ज्यादा होता है, कम होता है, अपना पिंग ज्यादा होता है। ठीक है, एक बंदा मार रहा था। स्टोरी स्टोरी, हाँ चल चलो बता रहा बता रहा। तुम लोग को यही चाहिए था ना, कब मर रहा है कब मर रहा है कब मर, यही चाहिए था तुम लोग को। मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है ना, तुम लोग को यही चाहिए था। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी फिफ्थ मई, जो अभी आने वाला मई है, पिछले साल के 5 मई को अपनी स्टोरी चालू होती है। ठीक है, तो स्टोरी ऐसी है कुछ गाइस, पबजी मोबाइल चालू था 5 मई को, नहीं रे जल्दी थोड़ा सा, पता नहीं कौन सा डेट था, मे बी 5 मई ही हो सकता है, पबजी चालू था। ओके, और पबजी मोबाइल में बहुत ज़्यादा खेलता था, ऑफलाइन में भी खेलता था, और मेरे को पबजी में एक दिन एक लड़की की आई रिक्वेस्ट। ठीक है, एक बार सब लोग चैट में हाई स्पैम करो, कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं, मेरे को सब कुछ सबके नाम देखने, सब लोगों को देखना है, जो जो सुन रहा है, जिनके बारे में बोल रहा हो जिनके बारे में नहीं बोल रहा हो, सब लोग एक बार चैट में हाई स्पैम करो, सस्ता मिट पैर, सब लोग चैट में हाई स्पैम करो एक बारी बस, मेरे को पता नहीं, मेरे को नाम पढ़ने दे, नहीं तो मैं किसके सामने कुछ बोल दूंगा। जल्दी जल्दी फटफट, छिल मारते दूर उतरते, मैं तुम लोग स्टोरी बता रहा हूँ। बबड़ी की क्या, बबड़ी का भी मैसेज नहीं आया अभी तक। एवरीवन, आई नीड एवरीवन। ओके लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, सो द थिंग इज, पिछले साल मई फिफ्थ में पबजी चालू था, और पबजी में मेरे को एक बंदी की आई रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी देखो गाइस, अभी अब तुम लोगों को पता है सिंगल लोंडो की तकलीफ क्या होती है। अच्छा फोटो किसी बंदी का देखा रे, देखा के सिंगल लोंडे हाइप्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी हो गया, मेरे को भी लगा कि लाइक भाई मेरे को लड़की की रिक्वेस्ट आती है इतनी खूबसूरत, और मेरे को पता नहीं था पहले वो लड़की कैसी दिखती थी, बट वो लड़की मेरे को इन गेम मिली, रैंडम मिली, ऐसे भी नहीं कि जस्ट रैंडम मिली, उसने मेरा नाम पढ़ा एंड शी वॉज लाइक यू आर द चार्ली ये वो फलाना ढिमकाना, और मैंने बोला या मतलब अभी रैंडम मिली इज्जत दे रही है तो कैसा गाइस, अपन ने भी थोड़ा सा इज्जत दिया कि हाँ मैं ही वो। फिर मैं रिक्वेस्ट, तेरे इंस्टा को क्या हुआ रे, अरे कुछ नहीं निखिल गायब हो गया था, वापस ला गया, वाद ला दिया गया ना, गायब भी नहीं हुआ था, सब मैंने गायब कराया था सब कुछ चीज़ें, वो वापस ला लिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। तो ऐसे सीन हुआ, लड़की फिर मैं उससे बातें इतने करने लगा, बातें मतलब बातें नहीं गेम में बातें, हाँ तो लड़की आवाज़ भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक ही था, वैसे तो अपन किसी लड़की को भाव नहीं देते भाई, अच्छा ही लगा आवाज़। फिर मैंने जा गेम के बाहर जाके लड़की का देखा प्रोफाइल, प्रोफाइल जो होता नहीं क्या वो अपने पबजी आईडी पे डीपी लगाते ना, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा गाइस, वो डीपी पे मेरे को अभी भी रिग्रेट फील होता है, काश मैंने वो डीपी ना देखा होता तो मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा भरला अच्छा हो गया होता, और मैंने वो डीपी देख लिया और मैं फ्लैट हो गया, पता नहीं क्यों,
इतनी सीधी सादी भोली भाली लड़की दिख रही थी वो मेरे को, इतनी भोली दिख रही थी ना गाइस, तुम लोग येड़े हो जाते थे। वो डीपी वाज लाइक सब कुछ। फिर मैंने वो देखा डीपी एंड मैं फ्लैट हो गया। और फिर मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। वैसे मैं किसी लड़की की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करता गाइस, माँ का तुम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी, मतलब समझो तुम। तो फिर मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी कि खेलोगी और एक मैच। एंड पता नहीं क्या सीन हो गया और उसने एटीट्यूड दिखाना चालू कर दिया। उसने बोला नहीं है अभी मेरे को काम है, वो है फलाना है ढिमकाना है। मैंने भी बोला ठीक है अभी क्या है, अभी क्या है, ऐसे ही होता है, फॉर्मली ऐसे ही होता है गाइस। लड़कियां भाव दिखाना फटक से चालू कर देती है, फिर क्या है? फिर उसने मेरे को भाव दिखाना चालू कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ तो कुछ भी गलत काम नहीं करता, सच बोल रहा है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली निखिल, तेरे को निखिल को मालूम है गाइस। जतरे उसको मेरे को डैमेज देखने का कितना पड़ा। ठीक है ना गाइस, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान स्टोरी टेलिंग में था। तो फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो नहीं आई। फिर दो तीन देविल भी स्ट्रीम देख रहा है। ए देवा मी करू तो काय करू, जगू तो जगू कि नको। देवी ला गेम में अपन खेलते, आजा आजा आजा। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, दो तीन दिन बाद वो खेलने आई। फिर नहीं दो तीन दिन बाद नहीं 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 सॉरी 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 मैं गलत जा रहा हूँ। उसी दिन वो बंदी ने स्क्रीनशॉट लेके, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है भाई, तुम्हें वो स्क्रीनशॉट लेके उसने स्टोरी में डाल दिया और स्टोरी में मेरे को टैग करा और आलो रे गेम मजा आओ मैं हूँ। और फिर उसने स्टोरी में मेरे को टैग करा और टैग करके मेरे को ऐसा कही नस्त सग्या मुली नहीं नाही खात। हाँ सग्या मुली नस्तील खात पन कुछ लोग खाते। तो फिर उसने मेरे को स्टोरी में टैग करा कि ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर मैंने वो स्टोरी रिपोस्ट भी करी थी। फिर उसने मेरे को स्टोरी में टैग करा तो मेरे को उसका इंस्टा आईडी मिल गया। फिर मैं उसके इंस्टाग्राम के आईडी पे गया, उसके इंस्टाग्राम के आईडी पे ऐसे फोटोज देखे मैंने, ऐसे फोटोज कि मेरी आंखें ऐसे खुली के खुली। कंटिन्यू मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। मैंने सोचा कुछ अलग था उस लड़की के बारे में, लड़की कुछ अलग ही भलती निकली। फिर मैंने अभी देखो गाइस, अपन तुम लोग को मालूम है ना अपन गरीब घर के लौंडे, ठीक है। अभी कितना भी अपन चाहे ना तो भी अपने को पता है। छोड़ो मैं तुमको ये बोलना ज़रूरी नहीं है भाई देव, लेकिन सबको पता है अपनी औकात। मेरे को मेरी औकात दिख गई। मैंने सोचा कि नहीं ये लड़की नहीं हो सकती अपने लिए। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया बट कि बोलने का ट्राई किया। फिर मैंने उसको मैसेज किया थैंक यू, मेरे को याद नहीं है गाइस मैंने उसको क्या मैसेज किया। तो मैं तुमको मैसेज बताने भी नहीं वाला मैंने क्या किया, क्योंकि वो ऐसा होता रहा मेरे पास। फिर मैंने उसको मैसेज कर दिया, फिर हम लोग की बातें होना चालू हो गई इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर गेम में कौन जाते था, मैं गेम तो खेलता ही नहीं था। फिर मैंने उसके साथ चैटिंग करना चालू किया। चैटिंग चली पूरे दो दिन, मतलब एक दिन पूरा रात भर में चैटिंग कर रहा था। एक दिन 5 बजे तक चैट कर रहे थे हम लोग। कुक करो बोलते तू, अरे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा तुम लोग के साथ, मैं जो है वो बोल रहा हूँ। फिर हम लोग मैं एक दिन पूरा सगरा मूली भाव नाई था ठीक है ना समझ गया। तो मैंने पूरा एक दिन रात के 5 बजे तक चैट करी थी गाई, सुबह के 5 बजे तक। दादा एक गाना गाना जरूर। सुबह के 5 बजे तक चैटिंग करी गाइस। ये कौन उतर रहा कुत्ता, वो भाई 3 बंदे उतर रहे। मैं दूर उतर रहा हूँ गाइस, मेरे को चिल रहने हैं।
सुबह के 5 बजे तक चैटिंग चली और फिर हम लोग सो गए. एंड देन सेकेंड थर्ड फाइनली एक्सेप्ट किया झूठ बोल रहा है. हरामी झूठ नहीं जो सच है वो बोल रहा हूँ. डेविल को पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि डेविल को मैंने सब कुछ सुना दिया है पहले. फिर मैं उठा एंड अपन अपने को आदत थी गाइस कि लेट लेट रात तक जागना और जल्दी उठना सुबह, ये आदत है अपने. तो वैसे दो दिन चैट चली गाइस और दूसरे दिन मैं इतना हलकट इंसान है गाइस, इतना ही मतलब पता नहीं हलकट नहीं बोलूँगा सच्चा इंसान हूँ. अभी जिसको जिसको झूठ लगता है झूठ लगे, जिसको सच लगता है सच लगे गाइस. लेकिन मैं इतना भोला है कि मैंने उसको दूसरे दिन प्रपोज कर दिया. ठीक है, वो लड़की को मैंने दूसरे दिन प्रपोज कर दिया. एंड शी वॉज लाइक इतने जल्दी किसको प्यार हो जाता है. और अपन क्या प्रपोज ऐसे नहीं करते गाइस, आई लव यू, आई लाइक यू, वो वाला प्रपोज नहीं, सीधा आई लव यू वाला प्रपोज. झूठ, अरे यार तुम लोग को पता नहीं क्यों झूठ लग रहा है बट मैंने कर दिया माँ कसम. उस लड़की को भी पूछ लेना, सब लोग को झूठ लगता रहेगा लेकिन माँ कसम मैं बोल रहा हूँ सच सच बोल रहा हूँ. तुम लोग को झूठ लग रहा तो झूठ सही. मैंने प्रपोज कर दिया गाइस और फिर पक्का हो. ओके वेट, तुम लोग को झूठ लग रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील नेम बट रिद्धि उसको पूछ कि झूठ है या सच है. रिद्धि बताएगी झूठ है या सच है. लेकिन रिद्धि भी क्यों पूछेगी, मैं बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ गाई, सच बोल रहा हूँ. कभी तो सुन लिया करो कमीनो. इंस्टा आईडी दे चार्लीज बीस्ट, चार्लीज अंडरस्कोर बीस्ट, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. क्या बोली थी, फिर उसने बोला ऐसे कैसे किस गाइस हो, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है. ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया रुको, बहुत गंदे गंदे ट्विस्ट है, तुम लोग येड़े हो जाओगे, तुम लोग सुन के येड़े हो जाओगे. हाँ फिर उसने मेरे को नहीं बोला, उसने मेरे को बोला कि नहीं ऐसे इतने जल्दी किसको प्यार हो जाता है. फिर उसने मेरे को बोला एज अ फ्रेंड रहते हैं, मैंने बोला ठीक है एज अ फ्रेंड, मतलब आई डोंट नो मैंने क्यों ठीक है बोल दिया उस टाइम पे. लेकिन फिर 4-5 दिन बात हुई, ये चतर रे इसका आने का टाइमिंग देखो कमीने का. कमीना बहुत सही टाइम पे आता है, जब मैं कुछ बोलता रहता ना. अच्छा अरे चल 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 सॉरी स्टोरी विसर लगा. अरे गाइस मैं सच बता रहा हूँ यार, एक सेकेंड. मोस्ट ऑफ द पीपल नो वो कौन है. अभी मेरे को वो लड़की मोस्ट ऑफ द लोगों को पता, यार सबको ही पता है वो कौन है. सच है मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या नहीं उसको पूछ रहा हूँ ना गाइस, ओनली उसको पूछ रहा हूँ सच है या झूठ है मैं उसको पूछ रहा हूँ, वो बोलेगी हाँ या ना. ठीक है, सबको पता है कौन है वो, सच है या झूठ है वो बताएगी, डोंट वरी. ये सच है या झूठ है, वेट फॉर अ रिप्लाई. सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, रुको जरा सेल्फ रिस्पेक्ट समझेगा तुम लोग को. बस ठीक है, फिर वो हुआ. फेक नहीं रहा हो रे बाबा, फेक नहीं रहा हो, गॉड प्रॉमिस फेक नहीं रहा हो, जो बता रहा हूँ सब कुछ सच बता रहा हूँ. और फेंकने की क्या जरूरत, बता दिया उसने. ठीक है ओके फिर प्रबोध को तो पता है, इससे बैड बैड सिचुएशन से मैं निकल चुका हूँ. प्रबोध क्या रे पता है ना,
इज्जत जा रही है। अरे आई डोंट केयर, मैं जो बोल रहा हूँ सच बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड दिन मैं बता रहा हूँ, उसने ना बोल दिया, ठीक है, मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैं उससे बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि बात तो करना नहीं छोड़ना चाहिए, अपन बात करना चाहिए, क्योंकि अपना ऐसा नहीं ना गाइस। चलो ठीक है, उसको नहीं है नहीं है, लेकिन अपने को तो है ना कुछ, अपने को फील होता है ना कुछ, तो मेरे को फील हो रहा था, मैंने बात कर रहा बंद नहीं किया। देन आई वॉज लाइक ठीक है, लेकिन दिल से वो माहित है, लेकिन दिल से गाइस ना, दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, नहीं तू इस चीज के लिए नहीं बना है चार्ली, तू इस चीज के लिए तू बना ही नहीं है, नहीं बना। फिर मैंने उसको 3 दिन बाद मैसेज किया, सीधे मैसेज किया कि आई वॉन्ट अ रिलेशन, उसने फिर ना कर दिया। मतलब हो गए तो अपन बोले है, अपने को मुंह पे बोलने की आदत है, ठीक है, उसने वापस ना कर दिया। फिर इज्जत चली गई, लेकिन इस बार जो मैंने किया वो अनएक्सपेक्टेड था। फोन आई थी, अरे रुको ना गाइस, बताने दो ना तुम लोग, वो चैट में इतना, और मेरे को भी बचाया, और प्रबोध इतना कोई विषय नहीं, हो बचाने का सीन नहीं था, सब लोग अपने अपने लेवल पे पद्धति रहते हैं। फोन है, वो नेम बता दे रहा, रुकना बबड़ी बताने तो दे आगे, बोले नहीं हवस, हवस सीरियसली ब्रो, हवस बुझाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी जगह है, ठीक है, अब पैसे की अपने पास कमी भी नहीं है। इस बार नहीं, बच गया फाइनली, फाइनली आई किल समवन। इसके पास कौन सी स्किन है वो, विच स्किन, M4, M4 की तो मेरे पास भी है। एंड देन मैं कुछ, मैं कहाँ पे था, I forget. मैं भूल गया मैं कहाँ पे था, हाँ मैं भूल गया, वेट क्या वो हाँ बोली, सुन तो ले हरामी, नहीं वो ना बोली उस टाइम पे, वो ना बोली। और फिर अपना दुबरी दुबरी कहानी लेके मैं निकल पड़ा गांव। सब लोग को पता था मैं गांव निकल गया था, सब लोग को पता, यहाँ पे जितने भी बंदे है उन लोगों को पता है मैं गांव क्यों गया था, मेरे क्या रीजंस थे, मैंने सब कुछ वो एक्सप्लेन कर दिया पहले, मेरे को वो चीज़ें नहीं मेरे को याद लानी है। तो फिर मैं गांव निकल गया गाई, मेरे लाइफ में बहुत, मैं उससे बात करना बंद कर दिया, पहली बात मैं उससे बात करना बंद कर दिया बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मैं उसको स्टॉक करता रहता था, उसको भी पता है मैं उसको स्टॉक करता रहता था, और मेरे को भी पता है कि मैं उसको स्टॉक कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो उसने मेरे को बोला भी था मतलब बीच में कि ये स्टॉकिंग वीकिंग बंद कर दे, मेरे फोटोज वीटोज लाइक करना बंद कर दे। मैंने बोला मैं कहाँ स्टॉक कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम फीड पे आते हैं, मैं लाइक करता हूँ, दैट्स इट, चल झूठे, एट दी एंड सब कुछ तुमको समझेगा। फिर मैं उसको स्टॉक करने लगा, फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ, अरे नाम क्या है बता दूंगा एट दी एंड, मैं बता दूंगा उसका नाम, ठीक है, नाम भी बता दूंगा तुम लोग के लिए, और मुझे उसके लिए होता था फील, होता था तो होता था गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सब कुछ हुआ। फिर एक दिन आया ऐसा गाइस जिस दिन तो नंतर मुलगा निकाला वाट फेक अकाउंट, अरे नहीं बाबा नहीं बाबा, मेरे को भी पहले वो एक दिन लड़का ही लगा था, मेरे को भी लड़का लगा था गाइस एक दिन, वो मैंने उसको बहुत बार पूछा भी है वो चीज़ कि तू लड़का है क्या, लेकिन उसने फिर वीडियो कॉल किया था एक दिन, फिर मेरे को समझ गया नहीं नहीं लड़का नहीं है लड़की। फिर 3 महीने बीत गए मैं उससे बात नहीं किया, 3 महीने बाद गणपति आया गाइस, गणपति पता है गणपति, क्योंकि मैं गाँव में था डाउलिन का, नहीं मैं गाँव में था तो मैं जल्दी सो जाता था, मेरी आदत थी जल्दी सो जाने की, लेकिन जैसे ही गणपति आए जागरण चालू हो गया, और रात को फिर वही सीन चालू हो गया, मैं उसके फोकस ऑन टॉपिक, फिर रात को फिर वही चालू हो गया,
फिर रात को बातें चालू हो गई गणपति में, गणपति में, और गणपति में वो लड़की के ऊपर से, लड़की के ऊपर जो हालत थी ना, जित वो लड़की की जो हालत हो गई थी ना, तो पता नहीं मेरे को क्यों लगा, क्यों मतलब मैं बहुत कम लोगों से ज्वाइन होता हूँ लेकिन दिल से ज्वाइन होता हूँ, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, मैंने वो लड़की से बात करना शुरू किया उसकी सिचुएशन देख के, कि वो सिचुएशन में नहीं थी अकेले रहने के, मेरे को बुरा लगा उसके लिए, मैंने उससे बात करना शुरू किया और कुछ समय बाद फिर मैंने प्रपोज किया। लेकिन हाँ इस बार मैंने प्रपोज किया एक चीज सोच के कि मैं कभी उसको नहीं छोड़ेगा अकेला, ये मैंने उसको भी बताया और मेरे को भी बताया, मैंने उसको वापस प्रपोज किया और फिर मैंने उसको कभी मैंने उसको बोल दिया था भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वाह बुआ वाह, गाइस थर्ड प्रपोज है ये मेरा, ध्यान में रखो, सिर्फ ध्यान में रखो, ध्यान में रखो गाइस। फिर वो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, फिर वो लड़की मेरे को बोली मेरे को रिलेशन रिलेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, समझ गया कौन है वो, बस दैट्स इट। फिर वो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, आज स्ट्रीम गर्म डाली है, सुनने का तो सुनो कमेंट, नहीं तो मैं बंद करके निकल जाऊँ। फिर वो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, फिर दिमाग की माँ बहन हुई, लेकिन इस बार अपन ने क्या सोचा था गाइस, अपन उसको नहीं छोड़ेंगे जो भी हो जाए, ठीक है। मैंने उसको वापस बोला ठीक है इट्स ओके, लेकिन इस बार मैंने उससे बात करना नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरे को उसको ऐसे ऐसे अकेले छोड़ के किधर भी नहीं जाने का था। मैंने बात करना चालू करा, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमकाना सब कुछ हुआ, और फिर मैं गांव से बॉम्बे आ गया, और मैं जैसे मुंबई आ गया ना, पता नहीं क्यों मेरे को उससे मिलने की बहुत तलब लग रही थी, तलब मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, उसको मिलने का था बस, मेरे को उसको देखने का था, सामने सामने देखने का था। इस इधर से आगे ना एक बादशाह स्टोरी चालू होती है गाइस, अभी हाइप बढ़ रही है मेरे अंदर, मेरे अंदर हाइप बढ़ रही है। इधर से आगे जो स्टोरी है ना वो फिल्म की स्टोरी है, फिल्म की स्टोरी, कोई स्क्रिप्ट राइटर चैट में तो ये स्टोरी लिख के ले चल। फिर उधर से उसके बाद में मैं वापस आ गया जीपे, व्हाट जीपे, आई ऑलवेज हैप्पी लाइफ, थैंक यू फॉर योर फाइव ब्रो, शुक्रिया यार शुक्रिया, तलब नहीं बाबा तलब नहीं। फिर मैं आया वापस एंड व्हाट इज दिस, बंद कर तुझी लव स्टोरी, तेरे को टाइम आउट दे दिया लॉन्डन ने। फिर मैं वापस आया और मैं अल्फा के इधर रहता था, मैं अल्फा और रमेश तीन जन थे, मस्त रूम थी, हम लोग तीनों फुल चिल मारते थे। उधर से हम लोग की इतनी गहरी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती बोल रहा हूँ, वो लड़की की और मेरी इतनी गहरी दोस्ती हुई कि लाइक बहुत वीडियो कॉल्स सब कुछ चलने लगा, और बहुत प्यारा लगता था वो मेरे को, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि लाइक अपन फर्स्ट रिजेक्ट सेकंड रिजेक्ट थर्ड रिजेक्ट, हाँ सुन रहे हो ना, हाँ। तो वो बहुत प्यारा लगता था मेरे को कि कोई मेरे को इतने प्यार से मेरे से कोई बात कर रहा है, हर चीज़ में मेरे को पूछ रहा है कि खाना खाया ये वो। फिर सब वो हुआ, वो फिर मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम अल्फा के घर से, तो पाटून कौन गेला रे, कुणाल है रूममेट नल्ला साल। फिर वो हुआ एंड देन मैंने शिफ्ट किया वापस मेरे घर पे, मतलब घर पे भी नहीं, अभी मैं जिधर हूँ वहाँ पे ही शिफ्ट किया, नहीं यहाँ पे नहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया, उधर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। फिर एक प्लान बना, लेट्स मीट, अभी इंटरेस्ट बड़ा होगा। एक प्लान बना, लेट्स मीट, जगह थी वाशी,
या जगती वाशी नॉर्बिट मॉल। एक्चुअली हम लोग वो प्लान नहीं बना था कि वाशी जाएंगे या फिर कुछ भी जो भी था, फिर प्लान बना वाशी मिलने का। हम लोग गए, मैं गया, मैं आधे रास्ते में पहुंचा। इंटरवल कभी हुई, ये इंटरवल की बात की स्टोरी है, सुनो अभी। मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, उसका मेरे को कॉल आया कि मेरे साथ मेरा मामा है। इससे मेरे को कॉल आया कि उस मतलब अब उसके आगे मैं क्या बोल सकता था। मेरे को कॉल आता है मेरे साथ मेरा मामा है। मेरी फटके चार नहीं हुई, मैं फिर भी बोला मैं तेरे को दूर से देख लूंगा, और ये मैं सच में बोला होगा। इस ऐसा नहीं कि फेंका फेंक दे रहा हूँ, मैंने बोला उसको कि मैं तेरे को दूर से देख लेता है। ATM नंबर नॉट क्लियर, भीड़ भीड़। फिर वो बोली ठीक है तू आ जाए इनऑर्बिट मॉल, इधर इधर वो फलाना ढिमकाना। मैं उधर पहुंचा जिधर वो खड़ी थी, ठीक है। रोमांटिक नहीं बोलेंगे, क्या सीन होता है ये मेरे को नहीं पता। वो लड़की ने मेरे को देखा, ठीक है, बहुत दूर खड़ी थी, लाइक इधर से 20 मीटर दूर खड़ी थी, 20 नहीं 30-40 मीटर दूर खड़ी थी। कुछ कपड़े ढूंढ रही थी किसी बच्चे के लिए, उसके मामा के लड़के के लिए मैं भी। फिर वो लड़की ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, और वो शर्मा के कुछ तो भी ऐसे मुंह के ऊपर ला के भाग गई उधर से। भागी भी नहीं, रुक जाए एक जगह पे, बच्ची मेरे को एक हेडशॉट मारने दे प्लीज। अरे रुकना भाई, एक सेकंड गाइस, ओह फक, किधर था स्टोरी ध्यान में रखो भाई। वेट ना मतलब, अरे एक सेकंड ध्यान में रखो तुम स्टोरी किधर थी। और नहीं, एक किल नहीं, सिर्फ भागे पूरे मैच में। ये स्टोरी की वजह से गई सगड़ा मुड़ गया। ओके, तो उसका मामा भी उसके साथ में था, वो उधर पे खड़ी थी और मैंने उसको दूर से देखा था। और मैं उसके पास नहीं जा सकता था, मेरे को पता है मैं उसके पास नहीं जा सकता था बिल्कुल भी। मेरी फटी पड़ी थी, मेरी पहले से फटी पड़ी थी, क्योंकि अभी देखो अपन ऐसे पास में जाएंगे उसके, फिर उसका मामा देखेगा, फिर मार खाने के लक्षण, ठीक है, वो सब नहीं चाहिए था ना अपने को। इसके लिए मैंने सिंपल से पहले मैं दूर से देखा उसको, देखा हजारों दफा आपको, दूर से देख रहा था मैंने। उसने रेड कलर का वो पहना था, क्या बोलते उसको, मंडल का रहता नहीं क्या आपने, कुर्ता टाइप, कुर्ता हाँ कुर्ता पहना था, वाइट कलर रेड कलर का, और बहुत प्यारी दिख रही थी, दूर खड़ी थी। और मैं उसके पीछे में भी 45 मिनट्स घूमा पूरे मॉल में। अरे रम वाले बाबा ये TPP लगाए, बाहर आओ। मैं उसके पीछे 45 मिनट्स घूमा गाइस,
घूमा घूमा और अरे जा रहे क्यों नहीं ऊपर। अरे रामवाले बाबा टीपी पे लगा, बाहर आओ एफपीपी लगाओ। अच्छा 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 तो अरे इन गेम मत बोलो, मैं इधर डिस्कॉर्ड पे लिया आपको, डिस्कॉर्ड पे डिस्कॉर्ड पे बोल बोल रहा रहा हूँ हूँ मैं। हूँ। इन गेम आवाज आ रहा है आपका, इन गेम बंद कर लो। ओके ओके फिर हम लोग दोनों बात बात भी कुछ नहीं हो रही थी गाइस, मैं उसको मैसेज कर रहा था मेरे से मेरे को मिलेगी कितनी टीपी यार सॉरी। फिर मैंने उसको बोला क्या मेरे से मिलेगी, उसने बोला बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी बहुत दूर से आई थी गाइस मेरे को मिलने, वो बहुत दूर से आई थी, बहुत ज़्यादा दूर से। और वो बोली बहुत मुश्किल है मेरी, मैंने होप्स नहीं छोड़ी थी। फिर वो जहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग कर रही थी उधर से बाहर में खड़ा था, फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया क्योंकि मैं उसके आसपास भटक रहा था। मैंने सोचा उसके मामा को डाउट आ गया ना तो लाउने रे लाउने हो जाएंगी, उससे अच्छा अपन निकल जाते इधर से। और उस पर उस टाइम अपन रिलेशन में नहीं थे गाइस, वो लड़की के साथ मैं रिलेशन में नहीं था, बस हम लोग मैं तो बस मिलने गया था उसको। फिर वो सीन हो गया, अचानक से उसका मामा आ गया था, वो सब हम लोग का प्लान, मैंने बहुत प्लान्स बना के रखे थे इन ऑर्बिट में, ये वो वहाँ घूमेंगे यहाँ घूमेंगे, यहाँ से उधर जाएंगे उधर से इधर जाएंगे, सब 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 कुछ सेट था। लेकिन वो हुआ सीन मामा की वजह से लफड़ा हो गया, मैं होप्स नहीं छोड़ा, बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने एक बार उसको लास्ट वाला, फिर वो उधर से बाहर निकली और किसी ग्रोसरी स्टोर था, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग लॉट के बाजू में एक ग्रोसरी स्टोर है, वो ग्रोसरी स्टोर चली गई। फिर मैं ग्रोसरी स्टोर के बाहर गया, उसने मेरे को मुड़ के वापस नहीं देखा, वो मामा के साथ थी। एंड मैं उधर से मैंने मुंडी नीचे डाली, मैंने होप छोड़ दी और निकल गया ऊपर। मैंने होप छोड़ दी गाइस और मैं ऊपर निकल गया। मैंने सोचा कि अभी क्या ही हो सकता है, मतलब क्या ही, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो दूर से मेरे से बात करेगी, मैं उससे दूर से बात करूंगा, फिर कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ गाइस। फिर मैं उस टाइम पे निकल गया उधर से, मैंने सोचा छोड़ो ना अभी क्या ही हो सकता है। फिर जैसे मैं एलिवेटर से, एलिवेटर जो होती है सीढ़ियाँ अपने आप जाने वाली ऊपर, उस पे से ऊपर पहुंचा फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि उधर से गेट है एंट्रेंस है बाहर जाने के लिए, उधर पे पहुंचा उसने मेरे को पीछे से आवाज दिया। अभी उसने मेरे को पीछे से आवाज दिया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही है भाग के। वो जो ऊपर आती है अपने आप सीढ़िया उस, अरे रम वाले बाबा आपका इन गेम आवाज आ रहा है, एक मिनट बंद कर रहा हूँ। है। स्ट्रीमर प्रमोद को देखो क्या आता है। ओके फिर उसने मेरे को पीछे से आवाज दिया, वो भाग के आई और मैं बहुत डरा हुआ था कि वो अगर आई है तो, अकेली आई थी मेरे को अकेली दिखी। फिर वो आई मेरे से हाथ मिलाई, उसने मास्क पहना हुआ था, मास्क भी नहीं निकाला ही नहीं था मास्क, उसने मास्क नहीं निकाला। मैं वो आई, उसका मामा पीछे से आया, मेरी फटी उस टाइम पे मेरी फटी, क्योंकि इधर एक तो होगा झगड़ा या फिर पता नहीं क्या होगा गाइस, ऐसी सिचुएशन भी क्या हो सकता है, एक तो वो लड़की मेरे से मिलने आई है, एक तो झगड़ा होगा या फिर कुछ अलग होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरी फटी। फिर उसने बोला कि एक फोटो निकालनी है, मेरी और ज्यादा फटी, मेरी और ज्यादा फटी। फिर उसने मैंने बोला ठीक है, मेरी मैं कांप रहा था, मैं कांप भी नहीं रहा था, मेरी फटी हुई। उसने मेरे को मोबाइल हाथ में दिया उसका, ठीक है, और क्या खोल के दिया था वो स्नैपचैट, स्नैपचैट में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं ना, वो फिल्टर वाला स्नैपचैट खोल के दिया था और आ गया बीच में स्नैपचैट, वो फिल्टर विल्टर आ गए, मैंने विदाउट फिल्टर ही ऐसे ही फोटो निकाल दिया वो। और ऐसे नहीं कि सेल्फी निकाली है, मैं उसके मोबाइल से मेरा खुद का फोटो निकाल रहा हूँ, बस मेरा खुद का,
मैंने मेरा खुद का फोटो निकाला और उसको भी मतलब दे दिया मोबाइल में, बोला ठीक है। फिर उसने जाते समय वापस हाथ मिलाया और मैंने बोला तुमने तेरी मामा को क्या बताया? उसका उसका मामा मेरे को क्या बोला मालूम है क्या? कि हमारा जो मतलब इसका भाई जो जिसके बारे में बोल रहा हूँ, उसका भाई मेरा बहुत बड़ा फैन है करके। और सच में उसको मैं पता हूँ, मतलब है अभी क्या है, अभी है तो है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपन है इतने फेमस तो क्या करने है ना, अभी है भगवान की कृपा से, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, अभी तुम लोग बहुत लोग बोलोगे ये फेक फेक बोल रहे हैं, नहीं गाइस यही है वो हुआ। उस वो निकल गई, फिर मैं इनऑर्बिट मॉल में एक घंटा बैठा था। मैंने इनऑर्बिट मॉल में लाइव गया, इनऑर्बिट मॉल में लाइव जाने के बाद दो लोग आए मेरे को मिलने, वो दो लोगों के साथ मैंने चिल किया, थोड़ा सा खाया पिया और फिर घर निकल गया। पता नहीं ऑटो में जाते समय मेरी हालत क्यों इतनी टाइट थी कि मेरे आँखों में पानी था, अपन निकल गए उधर से। फिर आपने मेरे को फॉलो किया? हेलो, क्या फॉलो किया? फॉलो हाँ किया अच्छा अच्छा फिर हम लोग, अरे नाव सांगना, अरे बताता हूँ ना भाई, रुक जाओ जरा, रुको जरा, सबर करो। फिर वो गई अपने घर में, लेकिन अभी भी स्टोरी में अभी भी ये समझो गाई कि अपन अभी भी रिलेशन में नहीं है, वो स्टोरी में बता रहा हूँ, अभी भी अपन रिलेशन में नहीं है, ठीक है। फिर वो सीन हुआ, वो घर पे चली गई, उसको भी बुरा लगा रहेगा, पक्का ही बुरा लगा रहेगा, मेरे को अभी तक नहीं पता उसने उसको कैसा लगा उस टाइम पे, उसको पक्का ही बुरा ही लगा होगा यार। और ऑब्वियसली प्लान बनाए थे कुछ अलग, हो गया कुछ अलग। फिर उसने मेरे को मैसेज किया बहुत कुछ कुछ ये वो फलाना ढिमकाना, कॉल विल किए, और मेरा कोई चांस ही नहीं था बोलने का, मैं कुछ बोलने वाला है था ही नहीं, मैं बोलने वाला नहीं था वैसे उससे, बात ही नहीं करने वाला। लेकिन मैंने भी सोचा कि जाने जा रहा, अभी उसमें उसकी क्या गलती अगर उसका मामा बीच में आ गया, बराबर है क्या? नहीं, उसमें उसकी क्या गलती अगर उसका मामा बीच में आ गया। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या, अभी अपनी लाइफ ही झंडू है तो क्या करेगा पांडे। फिर मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। फाइनली मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, पता है, ऑटो से जा रहा और मेरे बाल ऐसे उड़ रहे। जिन लोग ने वो स्टोरी देखी रहेंगी, वो दिन तक आई जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर वो घर पे चली गई उसके उसके मैं अपने अपने घर पे। फिर फोर्थ टाइम मैंने प्रपोज किया उसको, चार्ली हाँ आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ मेरे को लगा भी इसका डिस्कॉर्ड तो कुछ हो गया। अरे आगे बताओ, मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, गेम नहीं खेल रहा। मैं भी स्टोरी बताने में इन्वॉल्व हूँ। हाँ, फोर्थ टाइम मैंने उसको प्रपोज करा, फिर रिजेक्शन खाया फिर से, फिर से रिजेक्शन खाना। फक मैन, मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, इज्जत जा रही है लेकिन सुनना पड़ेगा तुम लोग को। फिर से रिजेक्शन खाया, और ये वाला बहुत बुरा था, ये वाला बहुत ही ज्यादा बुरा था, मतलब वो मेरे करीब होके भी करीब नहीं है वैसा वाला सीन। इतना रिजेक्शन खाने के बाद कौन गाइस कोई वापस वो लड़की के पास जाता, बताओ गाइस बताओ। अगर अगर इतने रिजेक्शन अगर किसी लड़की से तुम खा रहे हो और ये चीज चल रही है, 8 महीने हो गए, ठीक है, इस 7 महीनों से ये चीज चल रही है कि तुम प्रपोज कर रहे हो, 7 महीने में 4 बार प्रपोज करा और 4ों बार रिजेक्ट खाया है, कोई कोई हाफ जीएफ अवार्ड। अरे सुनो ना बाबा,
मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोई अगर मेरी जगह होता, अरे अरे रमोले बाबा आप पे पड़ रही है भाई, इच्छा का आवाज, उसने दोनों को मार दिया। ठीक है कोई ना, स्टोरी में ही थे। हाँ दोनों स्टोरी में थे। फिर गेम स्क्रीन दिखाओ, अरे दिखाता हूँ दिखाता हूँ। गाइस मेरे को जैसे इस मेरे को बताओ ना गाइस, चार रिजेक्शन खाने के बाद कोई वो लड़की के पास वापस जाएगा रिलेशन के लिए? चैट में कोई बता रहे नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भाई, बताओ। गेम छोड़ स्टोरी पे फोकस करो। ओके ये स्टोरी होने के बाद में गेम खेल। हाँ तू मैं नहीं जाएगा ना 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 ना। अरे इधर चार बार रिजेक्शन हुआ है और तुमको गेम स्क्रीन की पड़ी है। ओके तो चौथी बार रिजेक्शन खाया गाइस, और मैं सुन हो गया कि मैं क्यों हूँ इस जगह में, क्यों फंसा हूँ कि मैं सिर्फ रिजेक्शन ही खा रहा हूँ। फिर मैंने उसको सीधे सीधे बोल दिया, मतलब रूडली नहीं बोला, मेरे को पता है वो लड़की की, सामने वाली लड़की की क्या कंडीशन है। उसने अभी तक मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोला था मैंने, कुछ भी नहीं बोला था उसने, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। एक्चुअली गलत नस्त कौन चार रिजेक्शन था या, और ये 7 महीने से मैं बस झेल रहा था। मेरे को पता है मेरी लाइफ मेरे को बहुत कुछ लेट, सब कुछ लेट देती है बट बेटर देती है। मैंने 4 रिजेक्शन खाने के बाद वो लड़की को फिर भी मैं उसके पास था। चार नहीं खूब पेड़ा। हाँ वैसे तो बहुत बार खाया है रिजेक्शन, लेकिन फिर पता नहीं वो लड़की को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। लेकिन हाँ एक एक चीज है, वो लड़की को रिलेशन में क्यों नहीं आना था मैं बताता हूँ आपको गाइस, क्योंकि उसके लाइफ में बैकएंड में ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई थी और वो उस सिचुएशंस इसमें उसकी गलती नहीं थी, सिचुएशंस की गलती थी गाइस, कि उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा उस चीज़ों की वजह से, रिलेशंस की वजह से, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, मतलब तो वो नहीं चाहती थी कि वो रिलेशन में आए। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो रिजेक्ट कर रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस तंग आ गई थी उन चीजों से। मेरे को ये स्टोरी नहीं पता थी। फिर उसने बोला नहीं अगर तेरे को, फिर उसने वही बोला जो फर्स्ट टाइम बोला था, तेरे को एज अ फ्रेंड रहना है तो रह, नहीं तो बॉयफ्रेंड ही फ्रेंड वाला तो सीन ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, नहीं तो ठीक है, मतलब ठीक है एक बार मिल। फिर मैंने उस दिन बोल दिया मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करेगा। उस दिन मैंने बोला कि मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करेगा। और ये हो गया था उस ही दिन रात को। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट और व्हाट कुछ मेरे को नहीं पता क्या हुआ था सीन, पता नहीं। वो दिन शायद मेरा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था, मे बी। उसी दिन रात को उस लड़की ने या मैंने, पता नहीं किसने, वीडियो कॉल किया, शायद उसने फिर उसने वीडियो कॉल किया एंड देन शी वाज लाइक अगर तू जा रहा है तो कुछ अच्छी यादें लेके जा। रात को ये वीडियो कॉल हो रहा है, 1:30 बजे आसपास कुछ तो भी चालू हो गया वीडियो कॉल, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और अचानक कुछ, कोई कुछ नहीं बोल रहा कुछ, कोई मैंने ना एक मेरे शब्द बोला है ना उसने मेरे को एक शब्द बोला है, बस उसने बोला था कि आगे बता वीडियो कॉल के, बस उसने बोल दिया कि है तो कुछ अच्छी
इतनी रात को यप 1:30 बजे उसने मेरे को वीडियो कॉल किया, वो वीडियो कॉल चला 4:30 बजे के, 4:30 बजे के आसपास तक। तो कुछ नहीं, हम एक दूसरे को देख रहे थे, अचानक से दोनों की आंखों से पानी आया। मेरे को उसने समझाने की कोशिश करी लेकिन मैं सुनने वालों में से नहीं था। उसने बोला, उधर भी वही बोल रही थी कि फ्रेंड्स रहते। मैं घंटा नहीं समझा, पैसे कितनी कम होते, 2 वक्त का खा सकता उतने कमाता। उसने मेरे को बोला कि नहीं, ठीक है तेरे को नहीं रहने का तो मत रहे, ये वो। फिर वो वीडियो कॉल पे डिसाइड हुआ कि एक लास्ट टाइम अपन मिलते। अभी फिर वापस वो मिलने वाला सीन, फिर वापस विच मूवी, दिस इज माय मूवी, स्क्रिप्ट लिख के रखो। फिर उसने लास्ट टाइम हम लोग का डिसाइड हुआ कि हम लोग फिर से मिलते एक बार, पिछली बार तो अच्छे से मिले नहीं थी, फिर इस बार मिले, मतलब प्लान बना। और वो बहुत दूर से आती है गाइस, माय गॉड प्रॉमिस, बहुत दूर से आती है वो मेरे को मिलने, बहुत ही दूर से। उसने मेरे को बोला चल मिलते हैं, मैंने बोला ठीक है मिलते हैं। वो आई और वो इतने, मेरे को ये नहीं पता था कि इतना टाइम लगता है उधर से आने के लिए। वो आई फिर वही वही जगह, फिर इन ऑर्बिट, लेकिन इस बार उसका मां नहीं था, इस बार उनका मां महिमा कोई नहीं था, अकेली आई थी। अकेली आई, मैंने उसको वाशिष स्टेशन से पिक करा, इन ऑर्बिट इतना दूर भी नहीं हो, इन ऑर्बिट गए और बातें करी, बहुत ज्यादा बातें करी वहां पे बैठ के। पता नहीं क्या चल रहा था, कुछ तो भी चल रहा था। हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ बातें चल रही थी अलग, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं है मेरे को, कुछ चल रहा था, मैं उसको देख रहा था, वो मेरे को देख रही थी, बातें चल रही थी। मैंने बोला लेट्स बी नॉट फ्रेंड्स, फिर उसने, फिर उधर इन ऑर्बिट से हटे, फिर दूर गए। वो क्या था, कौन सा वो क्या रे बाबा, क्या बोलते उसको, अरेंजमेंट क्लब है एक, वहां से निकलते समय ना गाइस, पता नहीं मेरे दिल को लगा कि फ्लावर्स लेते, मालूम है, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साहेब भी तेरा होने स्टीमर प्रभो, रुको जरा समर करो। फिर जाते समय मेरे को कुछ ऐसे क्लिक हुआ माइंड में, वहां पे फ्लावर्स का शॉप था, मैंने वो एक गुच्छा नहीं रहता है फ्लावर्स का, बहुत सारे रोजेज रहते हैं उस पे, रिबिंस लगी रहती है, फिर वो उसके बाजू में से एक कपड़े टाइप रहता है नेट का, वो सब लिया और उसको मैंने वो दिया। खर्च पैसा, पैसे की चिंता किसको है भाई, प्यार में पैसा नहीं देखते। फिर वो बहुत महंगा था भाई, उसको मैंने वो दिया। और वो पार्किंग में, वो अपना वाशिका इनर बिट का पार्किंग, एंड फर्स्ट टाइम मैंने किसी लड़की को हग करा, वो इमोशनल हो गई थी, क्या पता नहीं। उसने बोला ये ऐसा मेरे को किसी ने पहले नहीं दिया था, थैंक गॉड मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि रोजेस देते। और या फर्स्ट टाइम मैंने किसी लड़की को हग करा एंड वो फील बहुत अलग था। फिर इधर से हम लोग वो क्लब गए, क्लब में बैठे, बातें हुई, फिर वहां पे करनुभाव आए, हम लोग बातें करे, वो सरप्राइज हो गई कि फेकू बोलते हैं, या इट्स ओके फेकू बोलते हैं। फिर वहां पे करनुभाई और अभी भी हम लोग रिलेशन में नहीं है, तो फिर वहां पे करनुभाई आए
और वो बहुत बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा ये हो गई, खुश हो गई कि कर्ण बाबू आए, कि कर्ण बाबू आए। और एक 1.5 घंटा हम लोग कुछ तो भी बैठे, फिर कर्ण बाबू बोलते चलो निकलते। फिर वो कर्ण बाबू की गाड़ी में बैठ के निकल गई, क्योंकि जिधर कर्ण बाबू रहते उसी साइड उसका किधर तो भी घर है। कर्णु भाई ला तू बोलो ले लो। हाँ कर्णु भाई वाशी आते रहते, तो मैंने बोला आ जाओ कर्णु भाई मिलते हैं अपन। कर्णु इन हाउस, अरे कर्णु भाई का नाम भी नहीं। वहां से कर्णु भाई आते, कर्णु भाई उसको मिले, पता नहीं फिर वो गई। कर्णु भाई इतने अच्छे गए वो इंसान, कर्णु भाई मैं उनको क्यों मानता हूँ इतना? तुम लोगों को क्या लगता है मैं उनको इतना क्यों मानता हूँ? इसको ये वो डेपो पे खड़ी थी, बस डेपो पे, जो उसको इसको उधर छोड़ा करण भाव ने, एक डेपो पे छोड़ा। वो डेपो सेफ नहीं था, तो करण भाव उसके लिए खड़े रहे वहाँ पे जब तक गाड़ी नहीं आती, मतलब बस नहीं आती। तो जैसे बस आई, मतलब करण भाव निकले और बस आ गई, बस में बैठे घर पर निकल गए। घर पे जाने के बाद लड़की को क्या लगा आई डोंट नो, क्या लगा उसको पता नहीं। याद तेरी आती है मगर दिल में, याद तेरी आती है मगर दिल में। घर में जाने, घर गई वो लड़की, करनो दादा ओपी हैशटैग बांध ली। घर गई वो लड़की, बातें हुई, वो घर पहुंची, मैं सो गया था घर आके, मैं मस्त चिल मार रहा था क्योंकि मैं खुश था। मैं घर पे आया और सो गया, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ भी हूँ ना, मैं जाके सीधा सो जाता हूँ। और उसने मेरे को टेक्स्ट किया रात को कि लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है? बकते थी स्ट्रीम तुझे, हाँ देख रही होगी, बहुत आड़। उसने मेरे को मैसेज किया रात को कि लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, मुझे तू फक्त झोंक तो, मम्मी फक्त झोंक तो। एंड वो बोलने के बाद मेरे को पता है कि मैंने कितनी बार रिजेक्शन रिजेक्शन खाया है। मेरे को कुछ सरप्राइज वाला फील नहीं हुआ, दिल में अच्छा लग रहा था मेरे को पता है, लेकिन मैंने उसको सीधे सीधे बोल दिया ठीक है ठीक है, मैंने इतना ही बोला ठीक है ओके। उसने उसने सीधे उसने पूछा मेरे को कि तेरे को ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा, वो ये अच्छा गुड मतलब हैप्पी फील नहीं हो रहा चार्ली रडला तेरे वक्त? अरे मैं नहीं रोता रे, मैं खुश हूँ। उसको उसने बोला कि तेरे को हैप्पी वाला फीलिंग नहीं आ रही? मैंने बोला जिस लड़की ने ऑलरेडी 4 बार रिजेक्शन खाया तेरे को, मैंने सिर्फ मैंने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता है वो लड़की फिर कुछ दिन बाद मेरे को बोलेगी कि लेट्स बी फ्रेंड्स। और ये हुआ और ये इसके लिए मैं प्रिपेयर था, फुल फुल प्रिपेयर था, मेरे को पता है ये होने वाला है। मैंने सोचा ये होगा, ऑब्वियसली होगा, और ये हुआ हुआ दैट्स इट। फिर वापस रिलेशन में, फिर झगड़े, फिर वो, फिर बट द थिंग इज गाइस, ये स्टोरी की एक में जो स्टोरी आपको मैंने बताई, फ्रेंड का थी ओन लिया था, नहीं वो तो झगड़े की वजह से हुआ गाइस। लेकिन अब जो है हम लोग है एक दूसरे के लिए, वो बहुत लाइक कबूतर रहे हम लोग एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा। कबूतर रेड की है भाई, मत करो बाल तो गिरी, मतलब यार साफ टीथ आउट करी। अब जो है ना गाइस, बहुत एक दूसरे के लिए खास है, बहुत पास है, रमाले वाला रेडी करो। और अभी हम लोग बाय द वे रिलेशन में, दैट्स इट, इंजॉय करा रहेगा तुम लोग, मेरे को पता है बहुत सारे रिजेक्शन गए, बस मैं इतना बोलूंगा जिससे प्यार करते हो उसके रिजेक्शन पे मत जाओ, उसकी सिचुएशन समझो।
सामने वाले की भी सिचुएशन है। आर यू इन अ रिलेशनशिप? कौन? मैं। या डब्बू कैन आई शो ऑफ कबूतर रेड? क्या है भाई ये? एक तरफा प्रेम वगैरह जग निर्माण कर दिया लगता है चार्ली का। वेट गाइस मेरे को एक परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आई विल शो यू समथिंग। मैं जीएफ आएगा, मैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके आई शो यू समथिंग, जस्ट डोंट रिएक्ट ऑन इट। ओके जस्ट डोंट रिएक्ट गाइस, ठीक है? मैं उसका और मेरा फोटो दिखाता हूँ तुम लोग को। एक फर्स्ट मीटिंग का नहीं है, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग एंड फोर्थ मीटिंग। ओके नेम। हाँ वेट ना यार गाइस, रुको दो मिनट, रुको तो। तुम लोग ना वेट ही नहीं करते ना, यही प्रॉब्लम। ओके मैं तुम लोग को लाइन से फोटो दिखाऊंगा। तुम लोग को स्टोरी के साथ फोटो जो मैच होंगे। वो एक फोटो दिखा गाइस, मैं तुम लोग को चार पांच चेतन भाई इंच है, क्या बात कर रही है। लास्ट वाला पार्ट छोड़ के स्टोरी देखे नहीं लग रही है। सही है कबूतर। अरे चेतन भाई की रेड है क्या? चेतन भाई लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू चेतन भाई मॉड है भाई दबे चैनल के, वो मेरे को कैसे नहीं दिखे। एक वो फोटो जिसको देख के मैं फ्लैट हुआ, सेकंड वो फोटो, सेकंड टाइम मीटे वाला। ओके सेकंड टाइम मीटे वाला फोटो या करनुभाव भी है ना उसमें। थर्ड फोटो भी चाहिए तुम लोग को। थर्ड फोटो तो ऑब्वियसली सब लोग ने देखा। क्या देखना ही है क्या गाइस? मोटे दाखो क्वालिटी वाढ़ पाड़ी आहे मी।
गेम साउंड बंद कर। ओके उतर रहा हूँ ना, एक घर में उतरता हूँ। इधर ही उतरने का नहीं दिख रहा, अरे रुको ना भाई, नीचे से गाड़ी आ रही है। वो टेरिस पे उतर था। अरे रुको ना गाइस, दिखा रहा हूँ ना फोटो, एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके सी दिस, ये कैसे चालू करते हैं? डिस्प्ले कैप्चर चालू। ओके तुम लोग को दिख रहा है। सो फर्स्ट फोटो जिसको देख के मैं, ये उसके पबजी का डीपी था, जो फोटो देख के मैं, अब ये फोटो देख के सब लोग भाई, मेरे को तो लगा था भाई, मेरे को तो लगा था कि ये बहुत सीधी सादी और बहुत भोली लड़की रहेंगी, बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर ये जब हम लोग रोटेट नहीं कर सकते क्या इसको, ये जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, नहीं सेकंड टाइम मिले थे, ये सेकंड टाइम मिले, एंड ये सेकेंड टाइम वाला ही है, करण बहुत है साथ में। या और ये क्या, ये उसके बाद जब हम लोग, ये रिलेशन वाला फोटो है बाय द वे गाइस, जब हम लोग रिलेशन में थे, मतलब अब जब हम रिलेशन में हैं, एंड द लास्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैडम उधर बहुत ब्लश कर ही रहेगी गाइस, अभी बोलना भी नहीं चाहता। कर दो टॉपिक, यस यस टॉपिक क्लोज, गेम प्ले पे ध्यान दो गाइस, अभी आता रिलेशन मध्ये नाही का, तुम येड़े हो क्या रे, तुम येड़े हो क्या गाइस, के बाद बच्चे पूछते हैं राम की सीता कौन। हां ना, रात रात्रभर वाचली गीता आणि सकाळी विचारते रामाची काय काय विचारलं मी, रामाची कोण सीता, हां रामाची कोण सीता है, क्या पूछ रही येड़े, स्ट्रीम प्राइवेट कर कर दो। अरे सबको बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी, इसके लिए बोलता हूँ इंस्टा पे फॉलो कर लिया कर, नहीं और क्यों करूँ फॉलो भाई देवे प्राइवेट भाई देवे, स्ट्रीम जब तक जियो दोनों खुश रहो, लव यू। अरे थैंक यू सो मच नेम भाई, पूरा फोटो देख लिया लेकिन नहीं रे, पूरा फोटो देखने के बाद तुमको नाम अगर चाहिए हो तो भाई वेरी गुड,
goosebumps आले two cuties तो मैं क्यूट हुआ था मैं क्या उसका क्या थी और फॉलो करके रेड डीपी देख देखे अरे अरे डार्लिंग वो डीपी का अरे वो सीन हो गया था मैं कर रहा हूँ रेड रेड याप याप कर रहा हूँ और उस पे पहला फोटो आएगा ना वो डीएसएलआर वाला ही आएगा कहीं तक रुको मैं पहले इंस्टा का डीपी मैं नहीं डीपी के लिए भी अलग फोटो निकाल रहा हूँ कहीं इंस्टाग्राम अपना प्रॉपर आएगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट आएगा चार्ली जलन सी हो रही है सप्रेसर क्या हाँ एआर और एसआर दोनों का है नहीं नहीं जलन सी हो रही यार विद्यु तुमको क्यों जलन सी हो रही तुम तो लड़की हो भाई तो निखिल तूने तो कभी कुछ नहीं बताया कमीने कभी मैं भी सुनना चाहूंगा भाई और अगर बताया है तो मेरे को बस एक बार बता कि कौन से वीडियो या फिर कौन सी क्या किधर बताया मैं उधर जाके देख लू सारे गाड़ी? सारे तो ब्लॉग तेरे में देखता हूँ और मेरे को ऐसे टेबल बनाने का तेरे जैसे निखिल भाई देख टेबल बनाने का है भाई निखिल इतने खर्चे कर रहा है ना गाइस बाबा निखिल का खर्चे देख के तुम येड़े हो जाओगे येड़े वो तो तेरे से ज्यादा क्यूट है तेरे पे जलन हो रही उस पर नहीं रही मेरे पे जलन हो रही है क्यों प्लीज नाव सांगना रहता और उसका नाम है आयुषा आयुषा नाम उसका तिच्या भावाने बघितलं ना गाइस तुम लोग सच में येडे हो मैं तुम लोग कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम लोग को माँ का सब कुछ नहीं बोलूंगा तुम येडे हो तुम पक्के येडे हो तुम लोग जो लोग ना स्टोरी सुनते समय नहीं थे ना पूरी वो लोग पहले पूरी स्टोरी सुन के आओ फिर मेरे को क्वेश्चन करो अगर मेरे को फालतू का क्वेश्चन कितने वापस करा ना भाई चप्पल में बताऊंगा जान ले लूंगा बहुत क्यूट नहीं है मुली क्यूट अर्थात मूल नहीं तो मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ गाइस मैं हैंडसम हूँ तुम लोग तो हैंडसम भी नहीं बोल रहे यार इज्जत निकाल रहे हो पबजी ने बनाई जोड़ी वो तो है भाई पबजी ने पबजी मोबाइल ने बना दी जोड़ी गाइस जाओ का मत मैं आता भांडी दुआई चाहिए वो तुझे तो व्हाइट व्हाइट करे मारा ये प्रबोध लाइफ में कितना स्ट्रगल करेगा एक पहले ही चैनल हैक हुआ है हैक हैक ही हैक का नहीं मतलब छोड़ गया ही वो चैनल फिर लेकिन एक चीज चीज से मैंने उसको बचाया भी है प्रबोध तेरे को उसके लिए मेरे को ज्यादा नहीं एक 30-40 हज़ार रुपए दे तेरी जिंदगी मैंने बचाई है कांड होते होते बचाए तो उसके मेरे को पैसे बनते तेरे वो भी उसको देने के चार्ली तू खूब लकी है यार मैं लकी हूं मैं गावात गाइस इतना सब सुनने के बाद तुम लोग को लगता है मैं लकी हूं हाँ जो तेरे को इतना हो तुझे समझती है गाइस
सात आठ रिजेक्शन खाने के बाद है ठीक है वो तो छोड़ो प्यार प्यार वाला सीन था बट सात आठ रिजेक्शन में खाऊं ठीक है झगड़े हुए तो पहले सुलझाने में ही जाऊं सब कुछ सॉर्ट में करूं फिर भी मैं लकी अरे लाज शर्म कुछ कभी भी हाँ ठीक है समझ समझ के लेती है मेरे को ठीक है लेकिन उससे ज्यादा तो मैं उसको समझ के लेती हूँ इज्जत जा रही है रम वाले पापा आपको इस पर कुछ तो भी उत्तर देना पड़ेगा मेरी इज्जत जा रही है मेरी इज्जत जा रही है मेरे को सहन नहीं हो रहा मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है मेरे को बट पॉजिटिव की तरह लेना अरे पॉजिटिव ऑब्वियसली लकी तो मैं हूँ बहुत बहुत लकी हूँ वो ऐसे नहीं मतलब अभी सब सॉर्ट हुआ है वो अकॉर्डिंगली लकी हुआ ऐसे हाँ वो भी है मतलब फिर भी मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वांट टू थैंक माय सेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप फॉर नॉट हाँ यही बोलने वाला अगर मैंने गिव अप कर दिया होता गाइस वैसे भी मैं करने वाला तो कभी नहीं था मैंने मेरे मन में ही ठान लिया था बट अगर मैं गिव अप कर भी देता आई डोंट थिंक कि वो वापस कभी आती मेरे लाइफ बट द चार्ली इज चार्ली गाइस मैंने मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था ये नहीं तो कोई नहीं जो लड़की मेरे को पेशेंस ठेवला पेशेंस वैसे पेशेंस से ज़्यादा मेरे दिमाग में ये चल रहा था अगर ये लड़की मेरे को इतनी बार रिजेक्ट कर सकती है तो अगर जब मैं मेरे साथ रिलेशन में आएगी कितना लाइक तो पता नहीं मेरे को क्या लगा बट लगा मैं बोल नहीं पा रहा वो चीज़ को पता नहीं अभी वो देख रही जाएगी नहीं देख रही जाएगी लेकिन मैं उसको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मेरी इज्जत जा रही है देखो ये लोग बोल रहे कितना लकी है तू कुछ तो भी इज्जत बढ़ा सच किया क्या तूने हाँ हीर ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है हीर इधर आ हीर इधर आ इधर तो आ इधर से इधर इधर आ सबको हाय बोल हाय बोल हाय ये मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना क्यों क्यों ऐसे क्यों ये चीटिंग करती है ये भी नहीं बोल के चल गए रिजेक्शन कभी जाएगा ही जिंदगी यार गाइस मैसेज पढ़ना कौन सा मैसेज भाई अब वो पक्का रो रही है इस टाइम पे मेरे को ही रोना आ रहा है वो क्यों रोएगी वो नहीं रोएगी रोतड़ू है वो बट वो रोएगी नहीं वो खुश होगी मे बी आई डोंट नो पता नहीं स्ट्रीम देख रही भी होगी या नहीं वो तू उसको इतना ये मत समझो वो स्ट्रांगल है हमारी स्ट्रांगल रोती इतनी नहीं रे बाबा वो रुलाती है का सीन नहीं रमाले बाबा इतनी हेल्थ क्यों जा रही है जोन में नहीं है अपन सेकंड जोन है अगो बड़े जाना पड़ेगा किसी फिर
स्ट्रीम बगती थी तुम लोग को, मेरे को तो नहीं दिख रहा वो कौन है। हाय ये तुम, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुम लोग को किधर दिख रहा है, मतलब वो किधर दिख रही। मैं अकेला है सिंगल बेटा, क्या कर सकते ना बच्चे। गाइस हर किसी के लाइफ में नहीं होता, मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा, हर किसी के लाइफ में नहीं होता, पर जिसके भी जिसको भी कभी दिल से लगेगा ना कि हाँ ये है मेरे लिए हमेशा, इस चीज के साथ तेरा टाका बिड़ाए रे उलझन। अरे मेरा इलियाना डिक्रूज बहुत ये सबके साथ नहीं होगा गाइस, लेकिन जिसके साथ भी होगा ना वो लकी लकी से बहुत कुछ ज्यादा होगा। ये इसने मेरे को कुछ मैसेज नहीं करा, ये मेरे को नहीं लग रहा स्ट्रीम देख रही थी। देखा देख रही स्ट्रीम, मौज करा दी बेटे लक्की बोली। और हाँ गाइस एक रिक्वेस्ट है, अरे अरे भाई अरे मैया हमारे बाद मेरे पे शॉट्स, अरे उसके बंदे ने मेरे को किधर है ये भाई ची कट कट मेरे मेरे पे ने। मैं मस्त जिसने आपको शॉट दिया उसको हेडशॉट ले रहा था, किधर है वो, उसने वीएसएस से उड़ा दिया घर के कंपाउंड वॉल पे। हाँ वॉल पे ये कॉर्नर पे लेफ्ट वाले, ये नहीं अपना बाजू वाला लेफ्ट वाला, लेफ्ट लेफ्ट इधर भी है। अच्छा हाँ ये वॉल पे था, हटे चाहिए ना गाइस। एक चीज है बस, ये जो मैंने स्ट्रीम से फोटो वोटो दिखा है इधर उधर मत फालतूगिरी करो बस, बाकी कुछ बाकी तो बहुत सारा प्यार। अब मैं उतना उतना तो मेरे उतना तो मेरे को विश्वास है तुम लोगों पे, तुम लोग इधर उधर कुछ नहीं करोगे, बट फिर भी बहुत छोटे छोटे भी बच्चे भी होता है, स्टोरीज वीरीज ना डालो तुम लोग में से कोई से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी अगर क्या होता है ना वो चार्ली मेरा नेट जा रहा है, बहुत पैकेट लॉस हो रहा है, आप खेलो मेरे स्ट्रीम देखो। ओके ओके ठीक है ठीक है, मनोहरी एजी सा बर्थडे है, यस यस पता 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 है। मेरी बहु बड़े मेरा बच्चा भाई ये मला राग येतो, ओमकार ला पण नका घेऊ त्या खेळायला, अरे काय नाही खेळायला काय नाही, मग खेळायची खेळायचं मन उडतो तो स्पॅम मारून मारून, काय नाही खेळायचं ना, मग तो मोठा वाला ब्रिज मॅप लाव। यस प्रथमेश पाटील भाई थँक यू, सब लोग जाओ गाइस सब लोग प्लीज सब लोग जाओ। यस रिद्धी थैंक यू डिफेंडर मधून तू लास्ट, लव फ्रॉम उरी चार्ली आग बहे माझे चार्लू आला का काय। गाइस सब लोग जाओ प्लीज प्लीज सब लोग जाओ, सब लोग जाओ इधर ही चाय में ऑब्जर्वर्स में बेटा उधर, सब लोग जाओ। अरे मेरे को नहीं मांगने का है ये डे है,
तू जा ना उधर आई गा ए हाडू ना ए इच्या गावात पंढरपूर मला कोण घेणार नाही त्यापेक्षा मीच कॅप्टन बन चार्ली येस गाइस जितने भी बंदे आए हो स्वागत है आपका थैंक यू फॉर युअर विशेस एंड चार्ली मेरी जान लव यू टू लव यू मोर बाकीचं आपण पुढचं पुढे बघू आया नहीं बट कॉल किया था उसने वो भी बहुत लेट किया था बट ठीक है अभी एडजस्ट कर लेता हूँ 10 बजे किया था कमीने में देखता आ रहा मैं आ रहा नल्ले तू आया नहीं अभी बोलना वो था लॉकडाउन है इसीलिए नहीं आया ऑब्वियसली जो तो है मैं ठीक है पावर बारामती कर यही कर चल आ मेरे को ले हां तो लेटेस्ट था वो नल्ले 12 म्हणजे 12 म्हणजे क्या लवकर रहता क्या फिर अरे मेरे को ये ना लीजिए तू नहीं तो कोई आजा कोई ठीक है अभी चलो कुछ नहीं देश है को दवा बुझद मत खेल जना कितने कमीने लोग हो ना तुम लोग स्टोरी यूरी सुनने को कितने लोग आते हो ना कमीना मीम आएगा तेरे पे कल इंस्टा पे देख लेना नहीं नहीं ब्रो नहीं ये वाला मत सीन करना बाकी कुछ भी कर लेना ठीक है उसका इसका फोटो नहीं डालना बाकी कुछ भी कर लो ठीक है ना हेड एंटर नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा ब्रो फोटो वीटोज मत डालो मैं वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फोटो वीटोज मत डालो बाकी सब तो नॉर्मल नाव का है तुझे जीएस दस बार नहीं बताएगा मैंने मैं 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 नहीं बताया लाफ्रा डेविड कशी वो सब तो ठीक है कर देंगे भाई उसमें क्या बड़ी बात है संदेश आता है ना मेरे दिमाग के क्या उखाड़ लिया मैंने जिंदगी में और लेजेंड बीच गेमिंग वेलकम अच्छी गर्मी हो रही है बहुत वेट अ सेकंड अभी मैं अपने बाद में अरे इसकी भेंट किया
तू किती सहन केलं यार, तू खूप स्ट्रॉंग आहेस, मीन्स तू आम्हाला सध्या हॅपी ठेवलंस या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये, प्राऊड ऑफ यू मेरा भाई. नमस्कार डार्लिंग, नमस्कार मनीष, रिद्धी. लाइफ ने एक ही चीज सिखाई है, सहन कर, और अपन करते हैं, उसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. तुम लोग को बड़ी बात लगती रहेगी लेकिन मेरे लिए नॉर्मल. बहुत से अपने में कैपेसिटी बहुत है. अपने में कैपेसिटी बहुत है. मुंबई में आवाज इतनी काई को है, गली गैंग में रैपर सब साइको है, सबकी खबर तेरे भाई को है. आराम से चलना है, तेरी भाई क्यों है, गाय क्यों है. बस बस लोगों को कदर नहीं है अभी भी, ठीक है ना. आपने को ठीक है, ठीक है, झगड़े वगड़े करते लोग. और बाय द वे गाइस, एक और एक चीज मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा, और एक चीज है ये अपना रिलेशन, मतलब ऐसे रिलेशन नहीं कि कब चाय मिलो जब चाय मिलो, ऐसा भी रिलेशन नहीं है. ये भी एक सहन करने वाली बात है, ये भी एक मेरा सीक्रेट ही है कि मैं इतना कैसे सहन कर पा रहा हूँ. लव फ्रॉम मॉडरेटर्स. मेरी लाइफ में और एक बहुत बड़ी सिचुएशन है कि मैं जब चाहूँ उसको नहीं मिल सकता. पूरा पूरा महीना, पूरे पूरा डेढ़ महीना दो महीना वेट करना पड़ता है उसको मिलने के लिए. और हम लोग मिलते भी हैं सिर्फ दो या तीन घंटे के लिए, एक दूसरे को देखते हैं निकल जाते हैं. सबसे बड़ा इशू है लाइफ. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ओम साई राम दर्शा, वेलकम ऋषि. ऐसा गॉड का मां, पर दो जन क्या कर रहे हैं कैंप अल्फा में, दो जन क्या कर रहे हैं. चारलू बस मला रडू येत आहे. रिद्धी की एडी रे बच्ची. हो जरा हो हो मारता के. लव फ्रॉम डी सी मॉड्स. अरे अरे शुक्रिया. ओपी ब्रो बोका वेलकम टू द शील बॉय.
नेट्टे चायला राड़ावा राड़ावा गाइस इधर राड़ावा अभी अपन घुसते अरे भाई कमीना भाई कमीना कमीना भाई आरामी आरामी भाई आरामी बंदा वेरी गुड गेम प्ले ऐसा देखा नहीं यू आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड वेरी गुड किधर का वेरी 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 गुड तका 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 ना इधर गए क्या मिलेगा नहीं चाहिए एक कूपन तीन कूपन का ब्लू पजामा पार्टी तीन कूपन ओके तीन कूपन का 1000 बीपीस कुछ नहीं चाहिए नहीं नहीं चाहिए गुड मॉर्निंग दादा गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ स्ट्रीम सोडून काय करतोस स्ट्रीम छोड़ के काम संभालता हूँ पापा का थोड़ा बहुत बाकी कुछ नहीं बाकी पढ़ाई हो गई है ग्रेड से कस्टर्ड लेके मत आओ खतरनाक मारा ना यार यार मेरे को ऐसा मारते हैं अब ये देखो किंग ऑफ व्हाट वेट पढ़ने देना नल्ले अरे पढ़ने देना ओह थैंक यू मैन ऑन माय शूज थैंक यू ओ ये गाइस कपड़े देख रहे हो ये मेरे को अभी अच्छा लग रहा है अब मेरे को लग रहा है अपन चिकन डिनर ला सकते इजी चिकन डिनर गाइस इजी चिकन डिनर लेट्स गो कोचिंग के उतर ले यहाँ पर दिलदार लोग दुनिया में हाँ ना यार कोई देता ही नहीं है कपड़े ऑफ जी पी सी में आज किसी ने पहली बार कपड़े दिए लव फ्रॉम गोकुल धाम सोसाइटी वेरी गुड वेरी नाइस थैंक यू सो मच ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई उसने जैसे अजंता की मूरत कोई उसने जैसे निगाहों पे जादू कोई कोई आया क्या उसने नगमा कोई उसने खुशबू कोई उसने जैसे महकती हुई चांदनी चार्ली हेल्प हाँ योगेश बोलो
कृष्ण जैसे मचलती हुई रागिनी, कृष्ण जैसे के खिलता हुआ एक चमन, कृष्ण जैसे के सूरज की पहली किरण, कृष्ण तरसा हुआ दुख शोध नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे तुम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। चलो गाइस बूम बाम कर दें। थोड़ा एनर्जी ने, थोड़ा एनर्जी मैं, ओके ओके एक सेकंड दो मेरे को, बोलता हूँ। जाने के सब बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओ, तेरे जो फूकी सुबह, कुछ तो भी ऐसे ही। रुको मेरे को लिरिक निकालना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद बोले तो चलेगा नहीं क्या? नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू, होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी आफरी, किसकी स्ट्रीम नहीं चल रही योगेश? यार मैं जो भी स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं मैं वो पार्टी हटा दूंगा। मेरी साइड से कैसे कैसे मैं जो तू कर मैं कर वो जो ना करते तेरे पर डरते रहे तो छोड़ मेरे गेम चिन मारूंगा अंतर जाऊंगा बनकर हीरो भीरो भी छुपा के रखा है तेरे को तेरे पे मिलेगी गा ना तूने का तो चेहरा एक फूल लिखी तरह शाताब है चेहरा उसका है या कोई मोहताब है चेहरा कोई नहीं 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 अलग है अलग है लिरिक्स थोड़ी सी गलत लिखी है लिखी है थैंक यू सो मच लिखने के लिए ओ बॉय ओ माय बॉय
उदा क्या चेहरा जैसे कैसे कमी ना मेरे को हाईलाइट देख के वो देखना कमी ना भाई कमी नहीं लोग होते चाय स्प्रे दिया डर पापा क्या यार ऐसा कोई स्प्रे भी देता है थोड़ा स्किप झाला सॉरी सॉरी डार्लिंग अरे गोविंदा ने देखो क्या सेक्सी वाले हर्ट्स भेजे बिल्ला रे नजर हटी दुर्घटना घटी है ना थोड़ा सा इधर उधर ना देखो ना कांड हो जाता है तुम लोगों वो सीन वालों में क्या आई मन केयर कुछ तो भी उन लोग ने लगभग कितने रुपीज मालूम है 3 करोड़ 70 लाख 74,985 रुपीज का स्कैम हुआ है जो अपन अंधाधुंधी डोनेट कर रहे हैं किसको भी वो उस वेबसाइट पे सिर्फ एक फोटो डाली है कि डोनेट कीजिए पहले मेरे को पता है कोई रैंडम अमाउंट डाल दी होगी वो इतने सारे पैसे डोनेट हुए गाइस इतने सारे पैसे एक आइडिया लगाओ वो साइट फेक है पता नहीं या फिर वो साइट के पैसे किधर और जगह जा रहे हैं इंडिया में भी आई भी नहीं रहे वो करते क्या है मतलब कैसे अंधाधुंधी ये कर गए कुछ भी ट्रस्टी को भाई डोनेट भी कहाँ करने का लॉन्डो का पता नहीं कहाँ डोनेट कर रहे हो भाई देख के करो यार था ना इंस्टाग्राम बघायला नाही अच्छा कैन बी हिट 1K लाइक सागर सबसे बताओ क्या हेल्प चाहिए बताओ सागर भाई बोलो स्ट्रीम नहीं दिसत है हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं जो लौंडा उतरे तू तो सीमन भाव की स्ट्रीम नहीं दिख रही है कैसे देखना पड़ेगा रुकना प्राइवेट ये होगी गाइस मेंबर्स ओनली हो सकती है पता नहीं लोकांना दिसत नाही रुको मैं देखता हूँ मेरे को दिख रही है गाइस इतने नल्ले हेडफोन्स ओके में अगर इतना अच्छा खेल रहा हूँ
तो सोचो जो अपने हेडफोन्स आने वाले, वो आने के बाद तो अपन माँ बहन कर देंगे बब्बी, काट काट डालेंगे भाई। गाइस अपने हाइपर एक्स के हेडफोन्स आ रहे, जल्दी जल्दी मतलब कल आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। मैं नहीं दिख रही है स्ट्रीम, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। करण तो चला एक डिनर था। हाँ करण बाबू, मेरे लिए दो हेडफोन आए, उनके लिए एक मेरे लिए। थोड़ा सा बूस्टर वगैरह कुछ है क्या? मेरे को तो दिख रही है पद्धति, मेरे पास एक पेन किलर है। कितनी कंडीशन बैड है? ले ले एक एक पेन किलर। ये अपने इधर फायर हुआ है। मोबाइल पे देखो, दिख रही है मेरे को तो, दिख रही है। एफपीपी ने खेलना भावा, एफपी तो खेल लो। सामने से आओ। अरे किसी ने पता नहीं यार, यूट्यूब सर्वर का कुछ अभी लसपेटे पे रेड तुमने क्या रहेगा? नहीं कौन लसपेटा, कौन रे की बात कर रहे हैं भाई? लसपेटा क्या होता है? बेटा क्या है भाई? रोज जो लोग व्लॉग व्लॉग करते रहते हैं उनको नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा। हाँ ये हो सकता है। कार 98 बजा रहे हैं ऊपर। पुणे तो काय झालं चार्ली, खत्म हो गया रे टॉपिक पुणे का, ब्रेकअप हो गया। गाइस देशु धड़ी को कैसे लगते मालूम है? गए देखो पता ना उधर फाइट चले, उधर घुसने का डायरेक्ट गाड़ी
गाइस एक सेकंड दो मैं तो इसने मेरी गाड़ी को क्यों गोली मारी आई को नीचे आई ची कट कट हाँ साना बनेगा ज्यादा उड़ेगा नहीं ले अच्छा आग हूं मैं आग थोड़ी मेरी भी फटी थी लेकिन फिर भी मैं आग हूं काट डालेगा चिंबोरी कापली प्राप्त कर अरे इच्छा तुझे मनी है वो माजे रानी न सांगता समझल का क्या गोव्याचे बाजार ऐसे गोवे शरांगरी मेरे जाना चलो जाओ कम ये ओके ओके किधर जा रहे हो तो ठीक है जा किधर कौन था वो कार में पेड़ बहुत जब देता करे तू ऊपर बजा के चल से बज रहा ढाई उधर से बज रहा टुकु उधर से बज रहा ढाई और इधर से बज रहा है टुकु इधर से बज रहा ढाई उधर से बज रहा है टुकु चेक थंबनेल हमने लिए थी ऐसे डेफिनेटली बॉडी देखो लो दिए गाइस कैसे बिसर रहे बुरा लग रहा ऐसे अपने को भी पीछे से मारते गए अपनी गलती नहीं है वो ना भाई रुकना ओ नो यार गुड खाया था यार एक फटका खाया था यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था भाग जाना चाहिए था बाय द वे नाइस जी जीज अच्छा खेला वो M24 वाला पीक नहीं देना चाहिए था
लेट्स गो अनदर राउंड बेबी लेट्स गो गुड नाइट प्रथमेश ठाकुर नादनी नादना रे मोरिया नादनी अरे डार्लिंग काय म्हणतो अरे ते आफ्री राहिलं ओके ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई उसने जैसे अजंता की मूरत कोई उसने जैसे निगाहों पे जादू कोई उसने नगमा कोई उसने खुशबू कोई उसने जैसे महकती हुई चांदनी उसने जैसे मचलती हुई रागिनी उसने जैसे के खिलता हुआ एक चमन उसने जैसे के सूरज की पहली किरण उसने तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी संदली मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डो मन मेरा खिंचा चला आया मैं दोपहर को गेम खेल रहा था गाइस और पैंथर फ्रॉस्ट से मरा हूं बहुत बुरा वाला मेरे को मालूम है पैंथर फ्रॉस्ट कब यूज करेगा जय भाई इधर एनिमी हो ट्रैप करके छोड़ देने का डायरेक्ट मर्डर नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ मेरे को मालूम है बहुत लोग मेरे को बेशरम बोलते रहेंगे आज की स्ट्रीम देख के है ना देखे नहीं सच बोलना गाइस सच बोलना बहुत लोग बोलते रहेंगे ना कितना बेशरम है रिजेक्शन खाने के बाद चार बार फिर उधर ही गए है ना लेकिन गाइस वो बेशर्मी तुम लोग के लिए बेशर्मी होगी लेकिन मेरे लिए वो था नहीं बहुत सारे लोग बोलते रहे अरे क्या बेशरम लौंडा है भाई चार बार रिजेक्ट करने के बाद उधर ही जा रहा है मला पण गेमिंग चालू करायची आहे भाऊ थोडी मदत हवी आहे बोला ना क्या करना है गेमिंग पीसी बनाने का क्या बनाने का बताओ हाँ ना गाई कुछ लोग हंस रहे मतलब सच है हाँ ना कमीनो नहीं अच्छा नहीं क्या ठीक
अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ तक। गाइस लेकिन इस बार मैं एक तुम लोग को बात बोलता हूँ, मेरे बहुत कट्टर समर्थक है, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब गॉड लेवल कट्टर समर्थक है। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा उन लोग को कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है, मतलब होगा नहीं वो चीज़ में, रिलेशन के बारे में होगा नहीं ऑब्वियसली मेरे को पता है, लेकिन कभी कुछ अगर कुछ बुरा हुआ, गलत सलत हुआ, समझो जो नहीं होना चाहिए हो गया, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो, तो कभी उस चीज़ का क्या बोलते ना वो सीन उसके तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो मेरे से बुरा कमीनो तुम लोग के लिए कोई नहीं होगा। अरे तो आप लचपड़े कौन कौन लचपटिया, मैं नहीं जानता किसी लचपटे को। डिप्रेशन मन तो आएगा नहीं, नहीं डिप्रेशन, अरे ब्रेकअप विकअप वाला थीम, कभी कभी कुछ हुआ ऐसा ब्रेकअप विकअप नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि हम लोग का रिलेशन ब्रेकअप वाला है, वो ब्रेकअप वाला सीन होने ही नहीं वाला हम लोग में कभी, कभी नहीं, मेरे को पता है, मैं बस बता रहा हूँ कभी झगड़ा इगड़ा हुआ ना तो नहीं। अरे तेरा पापा, अरे नहीं जानता मैं किसी लसपटा को यार, तुम क्या मेरे पे फोर्स, मेरे को क्यों फोर्स कर रहे हो तुम। वो पीसी बिल्ड करा था करते ना ब्रो, चिकन डिनर मार यार, अभी मारते ब्रो, ये मैप में मोस्ट प्रोबेबली अपन चिकन मारते ही। अब मारेंगे, अभी इस बार मारेंगे। ये बंदा अगर अपन ने मार लिया ना तो अपन मार देंगे चिकन, अगर नहीं मार पाए तो नहीं मार पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं मार पाएंगे, मतलब अगर मतलब ये बंदा अपने को मार देगा तो कैसे चिकन मारेंगे ना, वो बोल, अगर इस बंदे को अपन ने मार दिया तो चिकन पक्का, ये वाले को भी। अरे नहीं रे यार, ये बहुत हग्गू है, इसलिए मेरे को ये गन नहीं पसंद। गया नहीं भाई, ये बहुत बहुत बुरा बंदा है भाई, बहुत बुरा बंदा है भाई ये,
स्मोक भी मेरे को इसकी M4 की स्किन देखनी। मार इसको, मार 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 मार। बहुत खतरनाक खेला ये बंदा। नाइस मुलाला चांगली बायको आता तुम्हीच सांगा मी कोणत्या कोणत्या आईचं स्वप्न पूर्ण करू। चालू चालू गई स्ट्रीम, चालू हो गई है स्ट्रीम। अरे क्या पता क्या हो गया था गाइस, सीन हो गया था कुछ जो भी, पता नहीं क्या हो गया था। पबजी चल रहा भी है क्या, मर गया, गेम के बीच में चला गया नेट गाइस। क्या बोलने का लेडी डॉन, क्या बाबा क्या भी बनाती है वो, येड़ी हो गई है, येड़ी हो गई है लड़की भी, येड़ी हो गई है। ये लड़का बिल्कुल अरे ठीक है रुको, सब नीतू का ट्वर्क दे वो बाबा, वो भी अलग ही लड़की। माँ को खुशी संभाली नहीं जाती और बाप अपनी खुशी दिखाता नहीं। जैसे गाइस मिस्टर व्लॉगर सैम कॉन्ग्रेचुलेशन दीजा, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, गुड, वेरी गुड। हर यूट्यूबर का सपना होता है गाइस, पहले 10 फिर 50 फिर 100 फिर 500 फिर 1K फिर 5K फिर 10K 50K 25K 50K
75k 100k 500k 1 million milestones. 100k is the fucking highest milestone of every biggest YouTuber. 100k पे जो इज्जत मिलती है ना भाई, YouTube की तरफ से एक प्ले बटन आता है बच्ची, कब आएगा, कब होंगे अपने 100k भाई, कब होंगे, कब कब कब. हाय हाय हाय, वेलकम टू स्ट्रीम स्मिथ. गमर गमर क्या होता है भाई, गेमर लिखना था क्या, गलत स्पेलिंग है, ई डाल दो, एक ही जगह. स्मिथ ने नेम ही गलत डाला भाई. ये गेम चालू क्यों नहीं हो रहा भाई, चालू हो जा, चालू नहीं हो रहा गाइस गेम, क्या इशू. ला 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 ला. निंजा वॉरियर वेलकम टू द स्ट्रीम. निंजा वॉरियर, मैंने एक अमेरिकन निंजा वॉरियर देखा है गाइस, तुम लोग ने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स आते हैं वहां पे, बहुत अच्छे अच्छे. ओपी पबजी देखा है, क्या देखा है, मैं भूल जाता हूँ यार तुम लोग को पूछ के, क्या देखा है रेयस. लाइफ इज हैप्पी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. अमेरिकन निंजा वॉरियर हो गाइस, तुम लोग को पता है क्या कैसे करते हैं चेंज, कुछ बताओ ना प्लीज, सर्वर कैसे चेंज करते हैं पबजी का, पीसी का. अभी आया मैं, लाइफ इज हैप्पी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. घर देखो, फर्स्ट फ्लोर पे है ये बिल्डिंग के. करंट कॉमेडी परफेक्ट. ये घर को क्या है, घर देखो, फर्स्ट फ्लोर पे है ये बिल्डिंग के. चांगली बायको आता तुम्ही. चलो भाई चलो 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 भाई चलो भाई चलो भाई पबजी की बस, सॉरी पबजी के प्लेन में चलो भाई. बूम बम करते भाई, तोड़ते भाई, तोड़ते भाई, तोड़ते भाई, मेरा बात में बूम बम करते भाई. जिधर जाएंगे उधर राड़ा करेंगे, जिधर जाएंगे उधर. अचेंडा जाने का, चलो अचेंडा उतरते भाई, अचेंडा उतरते भाई. मरेंगे 100 बार लेकिन एक बार कुत्ते की तरह मारेंगे. तो जब तक ऐसे नहीं मरेंगे ना तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा गेम कैसे. वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के टैग्स मतलब कब हटाना चाहिए, नहीं आता है वो, मैं हटा सकूँ.
ब्रो भाई ब्रो आइस कटर नहीं हूँ मैं ब्रो भी अभी देखो मैं कैसे कुत्ते की तरह मरता हूँ स्क्रीन अटकी हुई है थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले डिस्प्ले कैप्चर में देखो भाई बहुत सारे बंदे पहुंच गए इधर भी पहुंच गया कमिंग देखो फ्री का किल लेने का है उसका मोबाइल इंडिया का जल्दी आ रहा है बच गाइस जस्ट वेट सीमन दा तो कुछ खाने के स्क्वाड फुल है ना डार्लिंग साइली मन वेलकम टू स्ट्रीम मन मन कर कंफर्म आएगा तुम लोग ने आज की न्यूज नहीं देखी जाओ पहले अपडेट ले लो यूट्यूब से पबजी ने अभी 3 ट्रेलर डाले थे हैशटैग 2 हैशटैग 3 पबजी मोबाइल इंडिया के ठीक है ना फोटो निकाल दिए पता नहीं क्यों शायद गलती से अपलोड हो गए रहेंगे लेकिन पबजी कमिंग सो 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 मच सो गाइस कितने लाइक बाकी 31 लाइक बाकी मे भी 21 लाइक गो हिट 21 लाइक फास्ट प्लीज झूठ है सब बोल रहा हूँ ना जाके स्टोरी देखो भाई कमी ना फ्री फायर खेल तो करना ही फ्री फायर अच्छा नहीं लगता रे मतलब भूया मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बट मेरे को मैं उधर एज अ पीसी स्ट्रीमर हूँ फ्री फायर नहीं खेलता उधर भी मैं उधर मैं बहुत एक्साइटिंग गेम खेलता हूँ लेकिन देखने को ही नहीं आता अब भी जितनी वॉचिंग है ना उधर पे उतनी ही वॉचिंग होती है कभी कभी इससे बेटर होती है गाइस तुम लोगों को क्या लगता है जितने चैट में उन लोग को सबको पूछ रहा हूँ तुम लोगों को क्या लगता है पबजी मोबाइल आने के बाद जब मैं पबजी मोबाइल खेलूंगा तब अपनी वॉचिंग कितनी होगी गारंटी अंदाजा लगा कितनी हो सकती है कितनी होनी चाहिए मतलब तेरा बैकएंड पे चल रहा क्या ग्राइंड नहीं बाबा मैं तभी से ग्राइंड चालू करूंगा जब पबजी मोबाइल आएगा वी हैव आइडिया ना गाइस अपन एक गेम थोड़ी खेलते हैं फिर अमंगस प्लेयर थोड़ी है अपने को आइडिया है स्ट्रेटेजी आती है अपने को बनाने फटफट 1K 500K 20K के ऊपर अब भाई इधर हो जरा ज्यादा इज्जत क्यों निकाल रहे 1K पार भी तो ठीक है ना ये 20K पार भी क्या चल रहा चाहते हैं बाबा वो इतने भी मेन नहीं है अपन ये जैसे बोल रहा है सेम वॉचिंग रहेगी अच्छा अच्छा तुम लोगों को एक सीन मालूम है गाइस जब मैं पबजी मोबाइल खेलूंगा ना तो अपनी बचकुंडी पब्लिक जमा होगी पहली वाली ये जो 30 के लोग देख रहे देख सब्सक्राइब कर रहे हैं ना अपने को जो सिर्फ पबजी मोबाइल व्यूअर्स है 30 के नहीं सारे के सारे लेकिन जो भी सब्सक्राइब करें ना वो लोग येड़ पड़ जाएंगे गाइस और मैं दोपहर की स्ट्रीम चालू कर दूंगा जल्दी
just let me complete this अपना बुआ वाला ये थी फिर मजे आएंगे गेम प्ले तो सुधार रहा है भाई गेम प्ले तो सुधार अच्छा टेल मी वन थिंग ये PUBG मोबाइल मिलता कहाँ पे अभी सेम वो वॉचिंग का नहीं ग्राइंड के लिए बोल अच्छा ग्राइंड के लिए मैं किधर तेरे को कुछ बोला ब्रो तुम लोग टैप टैप ऐप पे क्या मिल रहा है क्या थोड़ा उंगलियां विंगलियां फिसलनी कम हो गई है जरा सा देखते हैं थोड़ा देखना पड़ेगा ए भाई अच्छा हो गया बिल्डिंग छोड़ दी तुझे करणाव सांग ना करणाव यश मोहित है तू कर रिप्लाई दे तो तू तो रिप्लाई दे तो मतलब म्हणजे अभी तुम लोग जो लोग मेरी इज्जत निकाल देना PUBG मोबाइल आने के बाद तुम लोग मेरे साथ खेलने को आओगे ना तब लोग मैं लूंगा नहीं गाइस इज्जत निकाल रहे क्या मेरी मैं नाम याद रखूंगा तुम लोग बट हाँ मेरे जो कॉन्स्टेंट व्यूअर है ना उन लोग को मैं नहीं भूलूंगा चाहे कौन सा भी बादशाह गेम आए मैं कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ यूट्यूबर तो अपन बड़े है ही अभी खुद को कम नहीं समझने का बट उन लोग को देखता हुआ रहा आओ ना दादा पबजी ये पबजी ला गए तब बता दो कमी नो इज्जत निकाल इज्जत चलेगा कितने बड़े हो जाएंगे कुछ 100 के पार ओ भाई फिर तो फटे बड़े बन जाएंगे ना अपन गाइस फिर तो चारों तरफ से रिस्पेक्ट फिर मैं सिल्वर प्ले बटन ऐसे मांडी पे रख के खेलूंगा रोज आई हैव सिल्वर प्ले आई हैव सिल्वर प्ले बटन कौन सा आप गाइस टैप टैप प्ले स्टोर पे है क्या ऐप देखते हैं मांडी का वेबकैम कर फिर संभाल रखे श्रीमान दादा अरे तो श्रीमान भाई की चैट भी तो इतनी फास्ट चलती ना ब्रो अपनी 21 की वॉचिंग है बबड़ी
मरा मचाले पीछे से क्या मारता है भाई क्या ही मरते मरते बचे रे सीओडी ना नहीं खेलते सीओडी खेलते हो ना पर मोबाइल नहीं सीओडी ये खेलता वॉरजोन सब मार रहे इधर से उधर से टपट ओ ना एक गोली यार मेरे साथ ही हर बार क्यू आशिकाना ये दिल अब ये स्क्रीन अटकी हुई क्यों है गेम कैप्चर लास्ट गेम होगा मोस्ट प्रोबेबली रफा दफा देखते थोड़ा ये टैप टैप का क्या सीन है मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ इसमें इसने पबजी पीसी में मास्टर कर लिया हो एफपीएस का बाप होता है वो तो है भाई वो तो है पबजी पीसी जो मास्टर कर लेता है वो तो बहुत दिग्गज होता है ए वेरी वेरी पबजी PUBG New State Pre-Register, what is this, huh? PUBG Mobile 8.9, क्या ही है? ये इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है, guys? इसमें तीन PUBG Mobile है, इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है? भाई तो रजिस्टर किया क्या तूने वैक्सीन के लिए? यो गेम कैसे नहीं दिख रहा भाई? इसमें से कौन सा वाला चलाना है बताओगे वीपीएन लॉन्च खेला लागे वीपीएन लगा के गेम खेलना पड़ेगा सच में वीपीएन नहीं लगाना है मेरे को ऐसा बताओ बिना वीपीएन के मेरे को पता है वीपीएन का क्या सीन हो जाता है फोन में मोस्ट हार्डेस्ट पार्टी रिकॉइल कंट्रोल स्पेशली फॉर एकेएम पर एकेएम एकेएम तो पप्पा चलाते अपन मतलब खतरनाक चलाते इतना कोई बड़ा दिन नहीं 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 मैं नहीं कर रहा घंटा भी ना मैं घंटा नहीं कर रहा मैं तेल लगाना विदाउट इपन चलता हो तो बताओ भाई पापा की फीलिंग इपन इपन लगा के बहुत लफड़े होते हैं मेरे को पता है तो पता है सब मोबीता को पूछ ओके मोबीता को पूछ विपिन इपिन लगा के नहीं खेल रहा भाई
अबे चलना कल कल आना आयु को बहुत मारा रे कमीने ने इसके लिए बोल दो भाई किसी को कम नहीं समझना चाहिए नॉट इवन मी मैं पत रन नहीं थी अवे में था ना फ्लोट करने का था इसलिए स्लो चल रहा था दैट्स इट आँखों की गुस्ताखियाँ bro I recommend you to play with Indian David he is quite good experience in PUBG PC if your ego doesn't hurt to play with small अरे there is nothing like small YouTuber बहुत अच्छे अच्छे YouTubers हैं yes subscribers नहीं है but उनका gameplay god है अरे I यार ये अलग है यार अरे मैं तो ऐसे लोगों के साथ खेलता हूँ जो YouTube पे जिनका आना जाना भी नहीं है अरे इट्स नॉट अबाउट ईगो यार इट्स ओके इट्स ऑल राइट डेफिनेटली खेलेंगे यार क्यों नहीं स्मॉल यूट्यूब छोटा ही बड़ा यूट्यूबर ऐसा कुछ नहीं था क्या पता कल उसको हाइप मिल जाए कल वो बड़ा हो जाए ऐसा कुछ नहीं रहा यार मतलब नमस्कार नमस्कार ब्रो कोई चाली लॉन्ग टाइम सी ब्रो लॉन्ग टाइम नो सी कमीने दिन बाद आया ठीक है भैया Can you click him? I will play him PUBG right now. Yeah, definitely. What is his name? Indian David. गैस कैन नीचे पूरा गैस कैन सारेंगे साला का कट्टा लेके ऊपर बैठ जाएंगे यार प्रीटी मच गुड सब्सक्राइबर दैट गुड गुड जरूर जरूर चलेंगे Shushan Yon song. Lagate.
What the fuck? Why, bro? एक गोली का बाकी था यार वो नो स्कोप मारा इसमें हट भाई मैं नहीं खेल रहा गाइस मैं नहीं मैं नहीं खेल रहा घंटा भी मुझे आ रहा सोन तो इंग्लिश नहीं आते इनकी फोन में लिखने में चलो गाइस आज थोड़ा सा मीम्स देखो विच मीम्स मीम्स भी बनाए गए तुम लोगों ने मीम्स बनाए गए सीरियसली और कुछ फालतू की क्या ओह ये नाइस सोफिस्टिकेटेड गेम ये थंबनेल आज को ओपी है ये तो देख लिया मीम्स कहा के मीम देखो ये उसने बनाया था वीडियो आयुषा नाइस वीडियो अरे इधर खाने पीने के नाम में क्यों भाई इधर देखो 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 पार्टी फुल बैठी है इधर आज सीमन भाई की मीम देखते इधर मजा आता है मीम देखने मीडिया गैलरी में आते ना मीम्स किधर आते रे मीम्स अजुन पबजी मोबाइल गए तो नहीं सुपरमैन लेजेंड मींस ये शायद था ये अरे तू जब आईला तू जगह ए गल्ले तेरे पिताजी के हम पिता है समझा क्या नल्ले के पिल्ले कुत्ते के नाजायज पिल्ले खचली कर देगा तेरे को अबे मेरे को तो उठा ले अबे लुक्खे तेरे औकात से ज्यादा है हम समझे क्या फटेले कांडे साला चाइनीज कहेगा तेरे नाम का तो मोबाइल भी ना खरीदू मैं तो कर रहा है साला चुटकी चुटकी ओके एक्सक्यूज मी सर यस बट व्हाट वुड हैपन इफ फॉर सम रीजन वी इग्नोर समबडी अनलॉक्ड 100% ऑफ द सेरेब्रल कैपेसिटी 100% 100% यस यस हे मी काय म्हणतो ते बर्फात जातात बघ सगळे ते शू बर्फातच करतात बहुतेक शू पोटात गोठत असेल मध्ये सू करतात तेव्हा आईस क्यूब्स चा अरे क्या है
महाराष्ट्रात 15 दिवस संचारबंदी लागू. आपल्या आधीच घरी बसून कंटाळलेली लग्न ठरलेली पोर. इच्छा गावात कुछ भी तेरे तेरी एक अच्छी खूबी बता जिससे मैं तुझे हाँ बोलू. अरे किधर की एडिटिंग है. ये नहीं देखना बाबा. मेरी गेम मांबा ही बजाएगा. ये डाउट आ रहा है. ये रखा रहा कब चालू हो गया. ये रात तो गेम बजाना पड़ेगा. मम्मी इज द प्लेयर जिनकी बात चल रही थी. आई डोंट नो. डार्क नाइट डेविल. वेट इज स्ट्रीमिंग राइट नाउ. आई डोंट नो. वेट लेट मी सी फर्स्ट कि वही है क्या वो. मैं किसकी तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा. इंडियन डेविल नो. इंडियन डेविल. वेट ब्रो. तुमसे ना हो पाएगा. हम बोल रहे तुमको तुमसे हो ही नहीं पाएगा. अरे मेरे को कितना मजा रहा यार. डबल माइक ऑन है क्या आपका. देख चार्ली भाई छिपा लिया उसको भाई. अरे प्लेइंग है टीम में है. साइड से दिखाता है. गलत बात भाई सब मत देखो बे. असलील है इंसान भाई. लवली बुलेट. अरे अरे ओ एक गेम खेल लेते गाइस. अरे स्टार्ट हो जाएगा. एक गेम खेल लेते. लेट्स गो. नहीं हाय बिग फैन. अरे बाबा बिग फैन भाई. बिग फैन भाई. आराम इंसान भाई. मेरी मूव फ्रेंड का ऑप्शन देता है. डार्क मैन अरे रिक्वेस्टिंग नहीं. ए गाइस कैन यू हियर मी. टीम ब्रो क्या सुन सकते हैं ब्रो. भाई इंग्लिश हिंदी भाई. हिंदी मेरे को खेलने नहीं आते ज्यादा. अच्छा अरे हमें कौन आता है. तुम हमसे बात करो भाई. हमसे आओ मेरे पास. अपना फेस के मेटा चाल ले जाएगा. तुमको हम खेलना सिखाएगा भाई. ए हटो तो हम खेलना सिखाएगा. बहुत सही है भाई. बहुत सही जगह पे फेस के. अरे डेविल इसको हम खेलना सिखाएगा भाई. सुनो हम बोल रहे हैं पूरे 3 बंदे हैं ना अपन. इसको छोड़ के किसी के साथ चला जाना. अरे ये वापस रेडी करने को. रूम को छोड़ के मेरा नाम तो बता दो. अरे बाय द वे पूनम ने बोला आपके साथ खेलने को. हाँ मेरे चैट में मेरे पीछे चले तो जाओगे वापस नहीं आओगे. थैंक यू पूनम. मस्त सॉन्ग लाओ ना. चिलिया आया या खेल लेंगे. एक एक मैच खेल आफ्टर दैट खेलते हैं. मैच मिल जाएगा. ओके मैं तो ये सोच रहा हूं कि स्ट्रीम बड़ी. व्हाट्स अप लव फ्रॉम चैट भैया. चार्ली भैया बोल के मेरी इज्जत निकाल रहा गाइस. मैं इतना बड़ा दिखता हूं. अरे गाइस इतना बड़ा. देखो ना इतना भारी हो गया भाई जी का बेल्ट से संभाल ले गया. अबे अरे जा. अरे पड़ा है रे. पड़ा. चार्ली भी एक बात बताओ. हाँ
पुछो, ये पुछो। मतलब थोड़ा ज्यादा बोलता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे नहीं नहीं कोई ना कोई ना, उनका बहुत अच्छा है। मतलब वो कुछ ज्यादा ही बोलता है वो, मतलब समझ रहे हो ना? समझ गया। ये तेरा वाला कपड़ा क्यों पहना हुआ है भाई? देखना इसको, देखना ये लौंडा का कपड़ा पहना हुआ तेरे जैसा। इसके पास क्या है बे? चाली ब्रिज पे चलते हैं, ठीक है? एक बार ब्रिज टूर लेंगे, उसके बाद धन लूटेंगे। ए मेरे को टेंशन आ रहा है इसके लिए। प्रो ने इसका अंतर लेकर आ गए आपस में, तुम लोग कर लो कल। ए जल्दी आ मेरे पास, आ मेरे पास, आ एक चीज दिखाता चाना मैं जल्दी, दौड़ के आ मेरे पास। किधर किधर? ब्लू इधर इधर, यहां पे यहां पे यहां पे, ये दो नंबर दो नंबर। जल्दी आ, भाग रहा है। कहां है? नहीं दिख रहा तू? तू कहां है भाई? हां दिख गया, दिख गया भाई। वो भाग पास था, जल्दी आ जल्दी आ। देख ये सेम कपड़ा ना चाले जैसा, पर इसका देख दिख रहा है। अबे हरामी दोनों अलग है। अरे भाई अरे वो लौंडा है भाई। अरे भाई वही तो बोला, मगर कपड़ा तो सेम है ना। सुनो सुनो, हम बोल रहे तुमको वो लौंडा है, तभी उसको उससे मतलब है, ठीक है? अरे नहीं बता रहा था, इसका दिख रहा है, इसका क्या नहीं दिख रहा होता गलत बात है। तो तुमको क्या दिखना पड़ता है क्या? अरे साइबर पंक भाई हम खेला ना, उसका सामान था तुम दिखा सकता था, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। अरे नहीं नहीं कोई ना, कोई ना कोई ना, चलो चलो चलता है चलता है। मेरी भैया भैया बोल रहा, अरे मेरी जा रही है गाइस, ये चार्ली भैया चल रही है गाइस। कार बंद है, कहां अकेले, किसको अकेले देखती है भाई? सॉरी भाई गलती हो गया भाई, ये अकेले जाएगा उसको मारने, ठीक है? चार बंदे गिर के इसको मारेंगे अभी। कंटेंट ही कंटेंट, ऊपर कूद गया तो नीचे कूद जाता है, कंटेंट वाला गेम नहीं है भाई। चलो मौत के सौदागर का कीबोर्ड और रिच का आवाज देखो। बोल तो सुनाने पता भाई, बंदा लोग साला उजी से भी मार के चल जाता है बे। मेरे पे एक कैम रहता साला, हम भी नहीं मार पाते बताओ, ऐसा क्यों? मोंटेज वाला सॉन्ग मत चला लेंगे क्या? पबजी मोड का एक्सपीरियंस का क्या कर, क्या फायदा भाई? तो बंदे नहीं मार पा रहे थे। ओ उसको नहीं बोलते एक्सपीरियंस तुम कर रहे हो आजकल, तो हल्का में लेता है भाई। भाई किसका? अरे लुटेरे रे भाई, उधर भाई पूरा स्क्वाड उतरा भाई, तुम हल्के में लिया। अरे ऊपर में स्क्वाड है अभी। ये तो बहुत लेट बोला भाई, डेविल के साथ मरने के लिए मार गया, हाथ हो गया। सुन सुन, सामने बंदे फाइट करे एक दूसरे से, ठीक है? मेरे को एक वेस्ट देना, मैं तेरे को भी ऐसे पूरी चीज ऐसे निकाल के दिखाएगा ना, देख। अबे तू पहले बोलता भाई, उधर लेवल 3 फेंक के आ गया। अरे अकेले जा रहा था, चलो पीछे से मार देते हैं हम लोग जाके। अरे मेरा स्प्रे नहीं है, ठीक भाई? हम चूतिया सब मर जाएगा ऐसे। हम के आज चिकन डिनर भाई, तो चिकन डिनर के लिए ना हम ट्राई करेगा, बस निकल जाए भाई। इसकी माँ का भरोसा मार दे तभी। वो वाला मोंटाज तूने एडिट किया था? पहला वाला मैंने एडिट किया था। ओके ओके ओके, कर ले भैया साथ में आ जाओ। आ गया भाई। ड्रिंक है क्या 3 नंबर तरफ पे? All dead, all dead. नीचे से कोई भाग के आ रहा है तुम लोग के घर पे।
भाई भाई अलग स्क्वाड है भाई, ये अलग स्क्वाड है भाई, ये पूरा गैंग है बन रहा उधर। तीन नंबर रेप मत देना, वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे। अरे यार आप उठा सकता है आके भाई, भाग डाल सकते। नहीं 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 उठाना नहीं उठाना, तू भाग जा, तू भाग जा भाई, दुनिया छोड़ के भाग जा। आ गया आ क्या मार, मार दे इसको एक शॉटगन, मार दे किधर, आप लोग मर गए सारे। अच्छा सब फर्स्ट वाला दे कमेंट, सेकंड वाला पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ, सेकंड वाला मैंने नहीं करा एडिट, सेकंड वाला ओके गेमिंग नहीं करा। चलो डेविल लास्ट मैच, तो लास्ट मैच था ब्रो, अभी मैं जा रहा हूँ। रिस्पॉन रिस्पॉन खेल, अरे रिस्पॉन खेलना है, रिस्पॉन खेलना आ जाना। कौन है रिस्पॉन, क्या है? अच्छा ये नहीं, इवेंट इवेंट इंग्लिश नहीं आता है गेम में। नहीं नहीं ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वाचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और मजे करो लौंडा, और क्या और किया और किया बॉयज और किया, बहुत सारा प्यार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मस्जिद माने हाय, वेलकम टू द श्री मस्जिद भाई। चलो गाइड निकलते हैं, ओके या गुड नाइट, गुड नाइट चटको, या गाइड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। यू वांट सॉन्ग, यू वांट सॉन्ग गाइड, यू वांट सॉन्ग, पोलोंडे का चैनल का नाम था इंडियन डेविल गाइस, इफ यू वांट टू वॉच हिम, इफ यू वांट टू वॉच पबजी पीसी, मेरी स्ट्रीम ऑफ होने के बाद उसके चैनल पे जाना, थोड़ा सा प्यार देना उसको, ठीक है, लाइक करना सभी लोग, अभी जाओ अगर पॉसिबल हो तो, इतने ज़्यादा नहीं देख रहे अपने को आई नो, बट जाके एटलीस्ट लाइक करो। और पसंद आए कंटेंट तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूर, ठीक है। फिलहाल तो ये लोग इनको ओके, it is the link, take care boys and bye bye, yeah, like karna, 50 likes to hone chahiye guys, theek hai, chal, love you guys, love you, love you, love you, take care, bye bye, peace.